हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ में होंगे। और थोड़ी सी माफ़ी चाहेंगे, कुछ टेक्निकल दिक्कत थी, इस वजह से हम थोड़ा सा लेट ऑनलाइन आ पाए हैं, है ना? तो कुछ टेक्निकल इशू था। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ प्रॉपर पहुँच रही है? कहीं कोई दिक्कत हो तो एक बार प्लीज़ बता दीजिए, ताकि हम इसको कार्यक्रम को स्टार्ट करें। दीजिए, क्या आप लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर मिल रही है? क्या हम बराबर आपको वॉइस आ रही है तो हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें? प्लीज एक बार आप कोऑर्डिनेट करिए, देखिए आप, वॉइस मैसेज आ रहा है आपको पास में? वॉइस बराबर आ रही है आपको पास? वो सारी बराबर कंटिन्यू आ रही। एक सेकंड, चांदनी टेक्सचर आई पास ये टेक्सचर आई पास फोन स्क्रीन कैसे आ रही थी? बोल रहे आप सीधा आके मिला अपने, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं कार्यक्रम को। आप लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर मिल रही होगी? कुछ टेक्निकल इशू था, इस वजह से हम थोड़ा सा हमारा कार्यक्रम लेट हो पाया है। इस वजह से हम माफी चाहेंगे इस बारे में आपसे। आज हम मुलाकात कर रहे हैं, एक बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में रहते हैं कि हम पहले से जॉब कर रहे हैं, या हमारा अलग तरह का बिजनेस चल रहा है, या हमने स्टार्टअप किया है, या हम ऐसी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं जिस इंडस्ट्री के अंदर हम लॉन्ग टर्म काम कर सकें, या इस तरह का कोई काम करना चाहते हैं जहां हम कस्टमर मार्केट, या हम जो भी हमारा प्रोस्पेक्ट हो, जो भी हमारे लोग हो जो हमारे साथ जुड़ेंगे, वो हमारे साथ जो लोग जुड़ेंगे वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म हमारे साथ में बने रहें, राइट? तो ये बहुत सारे इश्यूज होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और हर कोई बिजनेस करना चाहता भी है, लेकिन बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में होते हैं। अगर उसको अपने सवालों के जवाब प्रॉपर तरीके से मिल जाए तो कहीं ना कहीं बिजनेस करने में आपको आसानी रहती है। पिछले कुछ दिनों में अगर मैं आपसे पिछले 3-4 महीने का अगर अनुभव शेयर करूँ आपके साथ में, तो ये मान के चलिए कि 3-4 महीनों में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जो कि डाउनफॉल जा चुके हैं, मार्केट कहीं ना कहीं डाउन हो चुका है, राइट? मतलब बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है, बहुत सारे लोगों के जॉब है लेकिन पैकेज बहुत सारे कम हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों के बिजनेस जो है वो ऊपर नीचे हो चुके हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। इसी बीच में इन लास्ट 4 मंथ में जब से लॉकडाउन और कोरोना आया, जिसकी महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, बहुत सारे लोग इससे प्रताड़ित हुए हैं, राइट? इस बीच में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने व्यवसाय खोए हैं, व्यवसाय में मंदी आई है, बहुत सारे लोगों ने जॉब जॉब चाहते हैं लेकिन वो जॉब उनकी चली गई। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आज हर कोई बिजनेस करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 15 वर्षों का मेरा मार्केट का एक एक्सपीरियंस है। हम लोग फ्रेंचाइजी पर काम कर रहे हैं और हाल ही में टैक्सवे ग्रुप को 15 वर्ष पूरे हुए हैं बींग ए फ्रेंचाइजी, बी टू बी मार्केट करते हुए, बी टू मतलब बिजनेस टू बिजनेस मार्केट करते हुए 15 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। छोटे से कारोबार शुरू किया था ग्रुप के अंदर, और आज लगभग पूरे देश में, देश के हर कोने में, लगभग पूरे ग्रुप की बात करें तो लगभग 7,000+ फ्रेंचाइजी, और ई टैक्स में योजना की बात करें जो कि सबसे प्रमुख वेंचर, वो 6,000+ फ्रेंचाइजी के साथ में काम कर रहा है। और पिछले 4 महीनों में जब से लॉकडाउन कोरोना हुआ है, हर प्रोफेशन के लोग हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं। अगले 30 से 40 मिनट में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो लोग हमारे साथ शुरुआत करना चाहते हैं उनको हमारे साथ जुड़ने से क्या फायदा होगा। बहुत सारे लोग हमारे साथ ऑनलाइन ऐसे भी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ अच्छी बातें होंगी जो मैं 30 से 40 मिनट में करूंगा। और मैं आपसे
अब मैं आपको इस बात की गारंटी देना चाहता हूं कि अगर आपने 30 से 40 मिनट इसको सुना, देखा, समझा, जुड़े या नहीं जुड़े, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन आप जरूर यहाँ से लेके जाएंगे और आपको जरूर उसमें फायदा होगा। तो क्या चीज है, कैसे आप इसको करेंगे, कैसे क्या सिस्टम रहेगा, अपन इस पर सारी बातचीत करेंगे। और जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था, वो वैक्सीन तो हमारे दुनिया में अभी तक आई नहीं है, लेकिन हम एक बिजनेस वैक्सीन जरूर आपके लिए लेकर आए। वो किस तरह काम करेगी, क्या सेटअप रहेगा, हम अगले 30 से 40 मिनट उसके ऊपर बातचीत करेंगे। देखिए दोस्तों, हर कोई बिजनेस करना चाहता है, पर बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं, बिजनेस को करने के लिए कुछ एथिक्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है, कुछ एक्टिविटी होती है वो करनी होती है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अच्छा, हमारी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, टैक्स पे जो ग्रुप है जिसमें ई टैक्स पे योजना है, वो आप चाहे पार्ट टाइम करें चाहे फुल टाइम करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। मतलब आप इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, आप प्रॉपर भी कर सकते हैं, या पहले से कोई बिजनेस आप करते आ रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो, गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट हो उसमें आप काम कर रहे हो, या अलग तरह का कोई व्यवसाय करके आप अपना ऑफिस सेटअप करके आप बैठे हुए हो, किसी भी तरह का आप बिजनेस कर रहे हैं, और अब अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि और आपको बिजनेस करना है, तो ये अगले 30 से 40 मिनट आपके लिए हैं। हम बात कैसे करेंगे, मैं आपके कुछ सवाल लूंगा, मैं उन सवालों के जवाब भी आपको दूंगा, लेकिन हम इस इंडस्ट्री को ज्वाइन क्यों करें, हमें क्या फायदा होगा, क्या हमें इससे रोजगार मिलेगा, क्या हम हमारे शहर और क्षेत्र में काम कर पाएंगे, क्या हमें फायदे के साथ साथ में हम हमारे शहर और क्षेत्र में कोई अलग पहचान बना पाएंगे, क्या ये व्यवसाय करने के लिए हमें लाखों रुपए की जरूरत है, हम क्या करें जिससे कि हमें फायदा हो, हम आपसे कैसे जुड़े जिससे कि हम फायदे के साथ साथ में अपने शहर और क्षेत्र में अपने ही लोगों के बीच अब तक के चल रहे काम के साथ साथ में एक प्रोफाइल बना सके, उसके लिए हम क्या करें, राइट। तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये बिजनेस आपके लिए है, ये आपको देगा कि नहीं देगा, उसको आपको 30 से 40 मिनट में समझना होगा वो क्या है। और मैं बीच बीच में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि मैं आपके कुछ सवाल लूंगा जिनके जवाब मैं आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर ही उसके सवालों के जवाब आपको दूंगा, ताकि आप अच्छे से इसको समझ सके और आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहे। और मैं आज, मुझे प्राउड होता है कि मैं टैक्सेशन इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहा हूँ, राइट। पिछले 15 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, 12 वर्षों से ग्रुप के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ, टैक्सेशन फ्रेंचाइज रूप में काम कर रहे हैं, और पिछले 10-12 सालों की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा मार्केट नहीं था, अवेयरनेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और हमने इसको B2B क्यों स्टार्ट किया, उसके पीछे सबसे बड़ा मकसद था हमारा अवेयरनेस। हमारे कॉन्सेप्ट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये एक प्रोफेशनल और स्मार्ट वर्क है। दूसरी खूबसूरत बात यह है कि इसकी जरूरत सबको है। पहली बात कि ये प्रोफेशनल स्मार्ट वर्क है, राइट। दूसरी और महत्वपूर्ण बात कि ये कहीं ना कहीं एक डिमांडेबल वर्क है, इसकी लोगों को जरूरत है। देखिए, जिस प्रकार से हम कुछ करते हैं, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई साथ मिलके काम करता है, और हम वो काम करके हमारी बहुत सारी बेसिक नीड जो होती है हम उसको पूरा करते हैं, राइट, ऐसे होता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हम हमारी डिजायर लाइफ की तरफ जाते हैं, एक अच्छी गाड़ी मेंटेन करते हैं, अच्छे मकान में हम रहते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल हम जी रहे होते हैं, बच्चे हमारे अच्छे स्कूल में जा रहे होते हैं। उसके बाद जब ये सपने पूरे होते हैं, उसके बाद हम एक लग्जरी लाइफ की तरफ जाते हैं, राइट, जहाँ पर एक बड़ी गाड़ी होती है, बड़ा बंगला होता है, बड़ी सोच होती है, बड़ा सेटअप होता है। ये तीनों एक पार्ट है लाइफ के, लेकिन उसके बाद भी हमारी लाइफ है, वो है हमारी कुछ चीजें जो हमारे लिए कंपल्सरी है, जिसमें आपका टैक्सेशन पार्ट आता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अपने टैक्सेशन पार्ट को लेके चलना पड़ेगा, अगर आप कंपनी रन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको टैक्सेशन पार्ट को साथ लेते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, अगर आपको बिजनेस करने सोच रहे हैं तो आपको GST की तरफ जाना पड़ेगा, अकाउंटिंग की तरफ जाना पड़ेगा, ऑडिट की तरफ जाना पड़ेगा। ये भी उसी प्रकार से जैसे आपकी चीजें होती है, उसी प्रकार से एक इम्पोर्टेंट टास्क आपके लिए बन चुका है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा पहला प्राथमिक काम होता है, जो हमारी अब तक की फ्रेंचाइजी है, जो हमारे साथ बिजनेस पार्टनर, हमारे टैक्सो परिवार का हिस्सा है, जो पहले से काम कर रहे हैं, उन लोगों का और हमारे साथ जुड़ने वाले लोगों का, जो हमारे बींग ए बिजनेस पार्टनर बन के काम करेंगे, उन सभी लोगों का पहला काम होता है कि वो हमारे साथ मिलके सबसे पहला काम करेंगे अवेयरनेस का, राइट। क्योंकि बिजनेस तो पूरा रेडीमेड है, आपके लिए सब कुछ तैयार है, रेडीमेड बिजनेस होता है जहाँ पे आपको सब कुछ कंप्लीट रेडी मिलता है, चाहे वो मेंबरशिप हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, मोबाइल ऐप हो, स्टेशनरी हो, आपका ट्रेनिंग पार्ट हो, एजुकेशन पैकेज हो, सपोर्ट हो, कंसल्टेंसी हो, हर चीज।
आपको यहाँ पे कंप्लीट मिलती है। पर सबसे इम्पोर्टेंट पास कि अगर आप हमारे साथ एसोसिएट होते हैं तो आपका पहला काम बनेगा कि आप लोगों के बीच जाके अवेयरनेस का काम करेंगे। हम लोगों को सबसे पहले जागरूक करने का काम करेंगे, राइट दोस्तों? पहला काम हमारा है कि हम लोगों को जागरूक करेंगे, अवेयर करेंगे लोगों को इस इंडस्ट्री के प्रति। क्योंकि चूंकि हमारे पास 200-300 प्रोडक्ट है काम करने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़े स्केल पे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो हमारा काम है लोगों को अवेयर करना। अवेयर करने के बाद अगर उनको चीज समझ में आती है तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ में एसोसिएट होंगे। क्योंकि क्योंकि मैंने कहा था कोई डिमांडेबल इंडस्ट्री, मतलब इसकी लोगों को जरूरत है। लेकिन हमारे दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सिस्टम में ये कहीं ना कहीं कमी है, या हमारे सिस्टम में, मतलब इस इंडस्ट्री में इतने ज्यादा लोग नहीं है जिसकी वजह से सप्लाई पार्ट जो होता है इसका मजबूत नहीं हो पाता है। मतलब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या आपको दिख रहा है? क्या आपको दिख रहा है मैंने लिखा हुआ? क्या मेरी वॉइस आपको प्रॉपर मिल रही है? मैं दोबारा आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे दो सवाल आपसे। क्या मेरी वॉइस आपको तो प्रॉपर मिल रही है? क्या आप लोगों को बोर्ड पे लिखा दिख रहा है? प्लीज एक बार बता दीजिए ताकि हम उसको कंटिन्यू करें। क्या कोई रेस्पॉन्स, कोई मतलब आपको मेरी वॉइस प्रॉपर मिल रही है? क्या मुझे सुन पा रहे हैं प्रॉपर आप? राइट, क्या बोर्ड पे लिखा आपको दिख रहा है? मैंने जो लिखा है, मैंने यहाँ पे डिमांड की बात करी, सप्लाई की बात करी, राइट? डिमांड और सप्लाई, ये क्या होता है डिमांड और सप्लाई? देखिए, किसी भी काम को करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं उसके अंदर, हम सबसे पहले देखते हैं कि उसकी डिमांड कितनी है, उसकी पोटेंशियलिटी कितनी है, उसका मार्केट कितना है, उसकी अपॉर्चुनिटी कितनी मार्केट में, राइट? मतलब यू समझिए, एक तरीके का व्यवसाय करने का पहला नियम होता है कि हम जो व्यवसाय करने जा रहे हैं उसमें पोटेंशियलिटी कितनी है, राइट? मतलब यूं अगर हिंदी में इसकी बात करें हम, तो संभावनाएं कितनी है, ये हर कोई हर किसी बिजनेस को करने से पहले देखते हैं, राइट? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो काम हम करने जा रहे हैं उस काम को पहले से कितने लोग कर रहे हैं, पहले से कितनी संस्था उस काम को कर रही है, उस काम के ऊपर पहले से क्या कंपटीशन चल रहा है, कोई रिस्क पार्ट, कोई कंपटीशन, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें होती हैं। और ये एक सिक्के की तरह काम करती है, ये एक सिक्के के दो पहलू होते हैं जो कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। ये हर व्यवसाय का एक नियम है, राइट? हर व्यवसाय का नियम है कि दो एक सिक्के एक पहलू एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, डिमांड और सप्लाई पार्ट, राइट? अगर आपकी मांग है तो कहीं ना कहीं पूर्ति होगी इसकी, राइट? लेकिन मार्केट उल्टा चलता है, अगर किसी चीज की डिमांड होती है तो उसका सप्लाई पार्ट आज की डेट में मार्केट में जरूरत से ज्यादा अवेलेबल है, राइट? और अगर सप्लाई पार्ट, अगर आपको जिस समय सप्लाई चाहिए उस समय डिमांड उसकी बहुत ज्यादा है। अगर बात करें आज, जैसे मान लीजिए गर्मी का माहौल चल रहा है, बहुत बड़ा सेटअप है, अगर आप एक कूलर फ्रिज अगर एसी की बात करें तो आपको आपके शहर में, क्षेत्र में, बाजार में अब मांग से अधिक लोग उस प्रोडक्ट को लेके बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से बाजार में एक बहुत बड़ा कंपटीशन है, राइट? बहुत बड़ा कंपटीशन है, मतलब आज उसकी जरूरत है, डिमांड है, राइट? उसी प्रकार से उसको सप्लाई करने वाले लोग बहुत ज्यादा है। ठीक उसी प्रकार से जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हम ये चीज देखते हैं कि जो काम मैं करने जा रहा हूं उसमें उस काम की डिमांड कितनी है, जो काम मैं करने जा रहा हूं कल मैं इसकी सप्लाई दूंगा तो क्या वो लोग जो मेरे से पहली बार जुड़ेंगे क्या वो मेरे से हमेशा जुड़े रहेंगे? क्या क्या मैं एक बार किसी को अपना कस्टमर बना के, अपना प्रोस्पेक्ट बना के, क्या अगली बार वो वापस मेरे पास उस प्रोडक्ट की वजह से आए? क्या इस तरह का कोई डिमांड सेटअप है? और क्या मैं उसके प्रॉपर सप्लाई पार्ट को देख सकता हूँ? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह का हमारा कॉन्सेप्ट है, जिस तरह की हमारी इंडस्ट्री है, वहां पे दोनों पार्ट कहीं ना कहीं वैकेंट है, एक तरह से मानिए। हमारे देश में डिमांड बहुत ज्यादा है, टैक्सेशन काम की डिमांड है। आपने देखा होगा जिस दिन लॉकडाउन हुआ था उसके दूसरे दिन हमारे डिपार्टमेंट के अलग अलग डिपार्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अलग लोग, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपनी सारी डेटा एक्सटेंड करी थी, चाहे वो इनकम टैक्स हो, टीडीएस हो, जीएसटी हो, या अलग ऑडिट आरओसी, कोई भी काम हो उसकी डेटा एक्सटेंड। आज बड़ी हुई डेटा के ऊपर हम काम कर रहे हैं, मतलब इस इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा वैल्यू है, डिमांडेबल वर्क है, और
आपको मैं बताना चाहूंगा, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में 130 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद भी केवल मात्र 7 करोड़ लोग ही हमारे देश में ऐसे हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, जिनकी रिटर्न्स जाते, जिसमें नॉन टैक्सेबल टैक्सेबल सब लोग आ गए हैं। और मतलब 130 करोड़ में से मात्र 6.5 से 7 करोड़ लोग, मतलब आज भी अगर आप देखेंगे तो लगभग एक सर्वे के अनुसार, 2011-15 के सर्वे के अनुसार, हमारे देश में 70 करोड़ से ज्यादा आबादी ऐसी है जिनके 20 ईयर से एज लेके 99 ईयर तक की एज के लोग मौजूद हैं। उनमें से मात्र 6 से 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। मैं एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ जो कि सबके लिए जरूरी प्रोडक्ट है, क्योंकि हर कोई जीएसटी लेगा नहीं, हर किसी का टीडीएस कटेगा नहीं, जिसका होगा उसी का होगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि डिमांड डिमांडेबल इंडस्ट्री है, मतलब जो बाकी 64-65 करोड़ लोग बचे हुए हैं वो अभी तक इस इंडस्ट्री से अवेयर नहीं है। ये तो है इस इंडस्ट्री की डिमांड, राइट। और सप्लाई करने में हम हैं आपके साथ, मतलब अगर डिमांड की बात करें तो प्रोफेशनल काम है, स्मार्ट वर्क है, डिमांडेबल है। हमारी जितनी डिमांड बढ़ती है उतने सप्लायर नहीं है, मतलब जितनी डिमांड है उतने सप्लायर नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आप एग्जाम्पल से समझिए आप, राइट। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, यहाँ मैं इसको मिटाता हूँ और मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप इस बात को समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या टैक्सेशन इंडस्ट्री की वैल्यू कितनी है, राइट। एक वर्ड आपने सुना होगा, लोन। दूसरा वर्ड आपने सुना होगा, इन्वेस्टमेंट। दो वर्ड लिखे मैंने यहाँ पे, लोन और इन्वेस्टमेंट, दिख रहा आप लोगों को। आज की डेट में हमारे देश में हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं लोन की जरूरत है, हर व्यक्ति को आज की डेट में लोन चाहिए, राइट। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो लोग पहले से रिटर्न भर रहे हैं, आपको पता ही है कि लोन की डॉक्यूमेंट्री में इनकम टैक्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, या आपका इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री होती है। आज लोन हर किसी व्यक्ति को चाहिए, बैंक हर किसी को एंटरटेन कर रहा है, बट बहुत ही कम लोगों को ये पता होता है कि मुझे हाउस लोन चाहिए, मुझे कार लोन चाहिए, मुझे मुद्रा लोन चाहिए। इवन तो अभी COVID-19 का भी लोन मिल रहा है, राइट। मतलब अगर आप पहले से ही लोन आपका चल रहा है तो आपको सपोर्ट करने के लिए अलग अलग बैंक और संस्थाएं आपको COVID-19 का लोन भी प्रोवाइड करा रही है। लेकिन ये मिलेगा कैसे? उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न कितना भरना है, उसके लिए आपकी बैलेंस शीट कैसी होनी चाहिए, उसके लिए आपका कोई रजिस्ट्रेशन, कोई फर्म, कोई संस्था या उसकी कोई डॉक्यूमेंट्री पार्ट होना चाहिए, ये कौन बताएगा? ये आपको प्रोफेशनल पर्सन बताएगा, राइट। और उनके बताने वालों की संख्या हमारे देश में बहुत कम है, राइट। और जितने भी लोग पहले से प्रोफेशनल है वो इतने प्रोफेशनल है कि वो हमारे देश के जो मिडिल क्लास और जो अलग जॉब वर्क या छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनको सुनने के लिए कम तादाद में बैठे हुए हैं, राइट। मतलब एक प्रोफेशनल जो पर्सन होता है वो एक बड़े लेवल पे डील करता है, मतलब कहने का मतलब एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मार्केट है। और आज आप हमारे साथ अगर एसोसिएट होते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे सिस्टम में आते हैं, एक बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप हमारे सिस्टम में आ सकते हैं, राइट। वो हमारे जो भी प्रतिनिधि है आप उनसे कॉन्टेक्ट करके समझ सकते हैं कि इसमें शुरुआत कैसे होगी। टोटल रेडीमेड कॉन्सेप्ट है, आपको कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल एक मिनिमम इक्विपमेंट के साथ आप हमारे साथ में एसोसिएट हो सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो अब आप जुड़ेंगे तो आपके शहर क्षेत्र में आपके मिलने जुलने वाले हर किसी व्यक्ति को लोन की रिक्वायरमेंट है, हर किसी व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हर कोई कहीं पैसा लगाना चाहता है, हर कोई कहीं पे प्रॉफिट चाहता है, लेकिन उससे फायदा क्या होगा, क्या डॉक्यूमेंट्री पार्ट होगा? आप उन सभी लोगों की इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट्री के अंदर हेल्प कर सकते हैं, राइट। और ये आपका कहीं ना कहीं दूसरा काम, तीसरा काम हो सकता है उनको ये हेल्प करने में। मतलब हमारे पास जो बिजनेस है वो डिमांडेबल वर्क के साथ में लोगों के लिए एक जरूरतमंद प्रोडक्ट है जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा स्केल पर है। तो कहने का मेरा मतलब है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपके साथ आपके शहर के, क्षेत्र के, आपके आसपास के, आपके पड़ोसी, आपके ऑफिस के आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग, हर कोई जिसकी उम्र 20 साल से ऊपर है, 18 साल से ऊपर है, वो आपका कस्टमर हो सकता है, वो आपका कस्टमर इसमें बन सकता है, राइट सर। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ में
डिमांडेबल इंडस्ट्री है जहां पर सप्लाई पार्ट में पूरी की पूरी मदद हमारी ओर से आपको की जाएगी। साथ ही साथ ये इस तरह का काम है जिसकी लोगों को इसकी सख्त जरूरत है, राइट। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बिजनेस क्यों करना चाहिए या बिजनेस जॉब सही है, बिजनेस सही है, सब चीज़ें अपने अपनी जगह सही होती है, पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हम बिजनेस करते हैं तो वो हमारा खुद का बिजनेस होता है। चलिए, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम की वजह से हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हम इसको वापस शुरू कर रहे हैं, राइट। आ जाए कुछ लोग, आ जाए फिर हम इसको शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिजनेस के अंदर जैसे जिस प्रकार से बिजनेस में रुकावटें आती हैं, हर जगह रुकावटें आती हैं, समस्याएं आती हैं, चैलेंज आते हैं, सेम उसी प्रकार से हमारे साथ भी यह रुकावटें और चैलेंज आई है। हम एक्सेप्ट करते हैं इसको और मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको थोड़ा सा डिले हुआ है इसके अंदर। मैं आपको बताना चाहूँगा जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा था, और लोग जुड़ जाते हैं जब तक, डिमांड और सप्लाई पार्ट, क्योंकि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, वो ये चीज़ नोट करें कि इस इंडस्ट्री की डिमांड कितनी है, इस इंडस्ट्री की पोटेंशियलिटी कितनी है, राइट। इस इंडस्ट्री की पोटेंशियलिटी कितनी है, इस इंडस्ट्री में मार्केट में काम कितना है, डिमांडेबल वर्क के साथ साथ में ये इंडस्ट्री प्रोफाइल कैसी है, जो लोग आपसे जुड़ेंगे क्या वो आगे हमेशा आपके साथ जुड़ेंगे। दूसरा, मैंने आपको बताया को बिजनेस करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको एक टैक्सेशन का एक एग्जाम्पल दिया, लोन एंड इन्वेस्टमेंट। हर कोई व्यक्ति लोन लेना चाहता है, हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं पर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जिसके लिए डॉक्यूमेंट्री बहुत मस्ट होती है। जैसे कि एग्जाम्पल, आपने कोई प्रॉपर्टी ली और उसको आपने बेची है, और जितने समय आपने उसको रखी, उसके बीच में जो आपका प्रॉफिट हुआ, वो कहीं ना कहीं आपका एक कैपिटल गेन कहलाता है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। उसी प्रकार से आपको उस प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने से पहले किसके नाम लेना है, आपको कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी, तब जाके वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल जो चीज़ रहेगी वो आपके हिस्से की कहीं ना कहीं आपकी रहेगी। सेम थिंग जो है, हम बिजनेस करने के लिए इन सब चीज़ों को नोट करते हैं और देखते हैं। बिजनेस जो होता है वो अलग अलग तरह का होता है। कोई बिजनेस पार्ट टाइम का होता है, कोई बिजनेस फुल टाइम का होता है, राइट। अच्छा, मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर मिल रही होगी? मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ एक बार बता दीजिए, क्लेरिफाई कर दीजिए, मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर मिल रही है क्या? आप मुझे बराबर सुन पा रहे हैं, राइट? मुझे बराबर सुन पा रहे हैं आप लोग? प्लीज़ मुझे कोऑर्डिनेट कर दीजिए, वही सारी बराबर आपको सुन रहे हैं लोग बराबर? आवाज़ बराबर आ रही है, राइट। चलो, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। और मैं जैसे कि बात कर रहा था आपसे, को हम जैसे कि पहले से ही इसको बड़े लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं, ये बिजनेस पार्ट टाइम हो सकता है, कोई भी बिजनेस फुल टाइम हो सकता है, या आप ऑलरेडी जिस तरह का बिजनेस कर रहे हैं आप उसी के साथ भी इसको प्रॉपर शुरू कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, कोई भी बिजनेस करने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, रिस्क मोड कितना है, कंपटीशन कितना है, कैसे हम उसको करेंगे, उसका एजुकेशन सेटअप क्या रहेगा, सपोर्ट सिस्टम क्या रहेगा, इन सभी चीज़ों की कहीं ना कहीं जरूरत होती है, जिस पर अगले 30-40 मिनट अपन बातचीत करेंगे। कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई थी इसलिए हमारी कनेक्टिविटी बीच में टूट गई है, तो हम इसको अब कंटिन्यू करते हैं। तो ये सब चीज़ें रहेगी, तो मैं आपको अगले 30-40 मिनट में बताऊंगा मैं, और आपके सवाल मैं लूंगा आपसे मैं, और आपके सवाल लेके मैं आपके सवालों के जवाब भी आपको मैं इसमें प्रॉपर दूंगा, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है बिजनेस करने के लिए, वो होती है कि आपका माइंडसेट उसके लिए क्या कहता है, और वो किस तरह की इंडस्ट्री है, और उसकी बाजार में वैल्यू देखा जाए तो वैल्यू किस तरह की। तो जैसा कि मैंने बताया कि टैक्सेशन की एक अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक इंडस्ट्री है, अपने आप में एक स्मार्ट वर्क है, प्रोफेशनल वर्क है, और साथ ही साथ हम मल्टीपल इंडस्ट्री में डील करते हैं, तो आप एक ही छत के नीचे, जैसे हमारी कैटलॉग लाइन है, ई टैक्सी उसने की लाइन है कि एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं, तो ठीक उसी प्रकार से आप एक ही छत के नीचे सभी प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ही प्रॉपर वे में काम कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया कुछ, जैसे कि बिजनेस आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं, राइट। और आप इसको मिनिमम, अगर आपके पास पहले से ऑफिस मौजूद नहीं है, तो आप इसको घर से या किसी के साथ एसोसिएट होके एक मिनिमम इक्विपमेंट के साथ भी इसको आप शुरुआत कर सकते हैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से, राइट। और कोई भी बिजनेस होता है,
लॉन्ग टर्म आप चाहते हैं, क्योंकि देखिए आज की डेट में हर कोई चाहता है कि मैं जो जिस तरह का बिजनेस करूं, जो मैं काम करूं वो इस तरह का बिजनेस हो कि मैं उस काम के साथ साथ में जो पहले से कोई काम कर रहा है मैं उस काम को भी मैनेज करूं, साथ ही साथ इस काम को मैं प्रॉपर करूं, और जितने भी वॉकिंग कस्टमर पहले पहले से मौजूद है जिनको मैं पहले से ही अपने प्रोडक्ट की सर्विसेज दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, तो आप इंश्योरेंस लोगों को सेल करते हैं, लोगों को आप कहीं ना कहीं एडवाइस करते हैं उसके लिए। अगर आप किसी ऑनलाइन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो पहले से आपका कस्टमर उसी के साथ साथ में उसको प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप इस बिजनेस को भी उन्हीं जो पहले से आपके कस्टमर बने हुए हैं जिनको आप अप्रोच करके टैक्सेशन पार्ट में भी उनको जोड़ सकते हैं, और एक टैक्स कंसल्टेंट के रूप में आप प्रॉपर काम कर सकते हैं और एक अच्छा रोजगार आप इसमें ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस का प्लान आप कर सकते हैं। क्योंकि हम जब बहुत दो चार पांच बहुत महत्वपूर्ण कारण होते हैं कहीं पर भी जुड़ने के, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है हमारी इनकम स्ट्रेटजी कि हमें यहाँ से क्या मिलेगा, क्या हमें यहाँ से इनकम मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमारी इनकम स्ट्रेटजी इसके अंदर क्या रहेगी। तो उसी प्रकार से इनकम स्ट्रेटजी बिल्कुल आपकी यहाँ रहेगी। आप इसको पार्ट टाइम में करके भी महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये अर्निंग करने का प्लान बना सकते हैं, क्योंकि हमें पूरे देश में हम इसमें काम कर रहे हैं और हमने हमारा सबसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर रखा हुआ है, जिसके तहत हम देश में एक रोजगार देने की मुहिम चला रहे हैं ताकि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे देश में 70 करोड़ लोग की एज 20 साल से लेके 100 साल के बीच में है, जिसमें से 6 से 7 करोड़ लोग ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भर पा रहे हैं, टैक्सेशन प्रणाली से जुड़े हुए हैं। बाकी बचे हुए 64-65 करोड़ लोग जो जुड़े हुए हैं, 63-64 करोड़ लोग, मोटे मोटे 60 करोड़ लोग, उनको जोड़ने के लिए हमने देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्सेशन प्रणाली के लिए अवेयर हो, जागरूक हो, इस इंडस्ट्री के बारे में समझे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकारी योजनाओं का, अलग अलग चल रही मुहिम का फ़ायदा उठाएं, अलग अलग संस्थाओं के थ्रू मिलने वाले लोन, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, मिलने वाली बहुत सारी फैसिलिटी का फ़ायदा उठाएं। उसके लिए हमने हमारे पूरे देश के अंदर रोजगार मुहिम चला रखी है, उसी के तहत हम एक बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आपके साथ शुरुआत करते हैं, आपको हमारे सिस्टम में लेकर आते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम आपको हम देते हैं ताकि आप अपने शहर क्षेत्र में अपने आसपास के लोगों को, सब लोगों को जागरूक करके, उनको समझा के, इस इंडस्ट्री के बारे में बता के, आप उनका डॉक्यूमेंट्री पार्ट कंप्लीट कराने में उनकी मदद कर सकते हैं। इसीलिए हम एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत करते हैं ताकि आपके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन नहीं हो, एक रिस्क फैक्टर नहीं हो, और आप पार्ट टाइम में भी इसको शुरू कर सकें, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसी के साथ साथ में आप इसको शुरू कर सकें, राइट, और एक पार्ट टाइम में इनकम का प्लान भी आप कर सकें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, अगर आप 4-5 प्रोडक्ट पे भी मिनिमम महीने में 2 से 3 घंटे निकाल कर भी थोड़ा सा काम करें, जैसे कि मान लीजिए इनकम टैक्स रिटर्न है, TDS रिफंड का काम है, राइट, उसके अलावा GST का काम है, GST रजिस्ट्रेशन है, GST रिटर्न का काम है, पैन कार्ड का काम है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काम है, कोई भी इस तरह का काम हो आप उसको कर सकते हैं। और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट बात जो है, उनको करके आप महीने में 10 से 20 कस्टमर बनाकर भी, 10 से 20 कस्टमर बनाकर भी लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये अर्निंग कर सकते हैं, उसको महीने दर महीने आप आगे बढ़ा सकते हैं, महीने दर महीने आगे बढ़ा सकते हैं, और प्रॉपर तरीके से इसका प्लान आप सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हैं। और आप इसको, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि जुड़ के आप अगले 10 सालों में एक बड़ी इनकम कैसे ले सकते हैं, राइट, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। लीजिए एक बार व्हाट्सएप का वॉइस का देख लीजिए, क्या वॉइस प्रॉपर मिल रही है, एक बार प्लीज आप लोग बता दीजिए मेरी वॉइस आपको प्रॉपर आ रही है, अगर मैं हो तो मैं उसको कंटिन्यू करूँ प्लीज। राइट, देखिए कहीं पे भी जुड़ना एक अलग बात है, वहां पे अर्निंग करना एक अलग बात है, दोनों में बहुत फर्क होता है। वॉइस चेक कर लीजिए अपने फोन की प्रॉपर एक बार, राइट।
सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, हम बिजनेस करते हैं, हम कोई भी बिजनेस करते हैं, हमें क्या चाहिए वहाँ से, हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले वहाँ से इनकम चाहिए, राइट। ये हमारा सबसे पहला रीज़न होता है कहीं पे भी जुड़ने का। दूसरा हमारा रीज़न होता है कहीं ना कहीं, हाँ, प्रोफाइल, कि हम जहाँ काम कर रहे हैं हमारी उस वहाँ पर किस तरह की छवि बनेगी, हम जो काम करेंगे वो स्मार्ट काम है कि नहीं, और हम एक अपनी एक अलग से पहचान बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, दूसरा कारण ये होता है। तीसरा कारण होता है हम आपके साथ जुड़ के या मिलकर कोई भी व्यवसाय करें उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, हम कैसे मार्केट में प्रॉपर काम कर पाएंगे, हम कस्टमर कैसे बना पाएंगे, क्या सेटअप रहेगा। चौथा पॉइंट होता है कि हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, शुरू कैसे करेंगे, और इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, कैसे क्या सिस्टम रहेगा। और पांचवा कारण होता है इजी स्टार्टअप, हम इसको नॉमिनल तरीके से कैसे शुरू कर सकते हैं, या हमारा जो पहले से चलता आ रहा सेटअप है हम क्या उसी के साथ इसको शुरू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में, मैं आपको स्टैंडिंग माध्यम से, पूरे देश भर में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं राइट नाउ, पूरे देश भर में 6,000 फ्रेंचाइजी के साथ में 10 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर हमारे पास में है, और उनके साथ हम पहले से देश में मौजूद है, काम कर रहे हैं, और फ्रेंचाइजी बिजनेस पे काम करते हुए लगभग हमें 15 साल अभी 5 दिन पहले ही कंप्लीट हुए हैं, राइट। और प्रॉपर काम करते हुए पूरे इंडिया में हम लोग एक फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के साथ, B2B मॉड्यूल के साथ काम कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस मॉड्यूल के साथ, और B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर बनाने के लिए हम हमारी फ्रेंचाइजी को एक पूरा मौका देते हैं ताकि वो वहां पे सिस्टमेटिक तरीके से काम कर सके, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम जब काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो मैंने आपको जैसे पांच कारण बताया कि हम वहां पे एक इनकम के लिए प्लान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी इनकम स्ट्रेटेजी जिसे आप प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, जिससे मैं समझाना चाहूंगा आपको। मैं मान लीजिए आप हमारे साथ जुड़े, बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे साथ में है ना, हमारे साथ बहुत सारे प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट पे आप काम कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इनकम टैक्स की, जिसकी आइडिया है, जिसकी लगभग सभी को जरूरत होती है, राइट, होती है। अगर आपने एक साल हमसे जुड़े और पहले साल में लगभग 250 कस्टमर आपने बनाए, पहले साल में, अगले साल फिर मेहनत करके आपने और 250 कस्टमर जोड़े, फिर अगले साल मेहनत करके आपने 100 कस्टमर जोड़े, टोटल कस्टमर होते हैं आपके पास 500 कस्टमर। वैसे आप एक साल में भी 500 कस्टमर आराम से जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके आसपास लाखों लोग रहते हैं, हजारों लोग रहते हैं, आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ 2-3 साल में लग के आपने 500 कस्टमर जोड़े। जब एक बार आपके साथ कस्टमर जुड़ जाता है तो अगले साल आपको सिर्फ उसका रिन्यूअल पे करना होता है, रिन्यूअल सबमिट करना होता है, राइट, और सिर्फ उनके साथ रिलेशन मेंटेन रखना होता है। मैं कह रहा हूँ मिनिमम आप उनसे एक 500 रुपये का प्रॉफिट शेयर करते हैं। एक किसी भी प्रोडक्ट से आपने 500 रुपये आपने लिए, आपके पास लगभग लगभग 2.5 लाख रुपए आपके पास में 500 से आ रहे हैं। अगर आप किसी कस्टमर से 1,000 रुपये चार्ज करते हैं तो लगभग आपके पास 5 लाख रुपए कहीं ना कहीं आ रहे हैं। ये एक मिनिमम है। अगर आप इसमें 12 का भाग लगाएंगे तो आपके सामने इनकम है। आप महीने का जो कस्टमर आपने बनाए हैं, पहले साल आपने 200 कस्टमर बनाए, 300 कस्टमर बनाए, 400 कस्टमर बनाए, 100 कस्टमर बनाए, जो भी कस्टमर आपके बने हैं, अगले 3 साल 2 साल में अगर वो 500 कस्टमर में तब्दील हो गए, अगर आप उनकी केवल रिन्यूअल फाइल सबमिट करते हैं तो भी आपके हाथ में 30 से 40 हज़ार रुपये महीने का आ सकता है। ये उस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, राइट। आपको उसके लिए क्या करना है, आपको उसके लिए प्रॉपर मार्केटिंग आपको करनी है, प्रॉपर काम को करना है, जिसको शुरुआत में आप पार्ट टाइम में भी शुरू कर सकते हैं, राइट, पार्ट टाइम में इसको शुरू कर सकते हैं, मिनिमम इक्विपमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 4-5 कारण और है जिनकी वजह से बिजनेस किया जाता है। पहला कारण कि क्या अगर डिमांडेबल है तो हम इसको प्रॉपर कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आप अलग अलग तरह का बिजनेस पहले से ही कर रहे हैं, अगर आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पार्ट है, या आपको बहुत ज्यादा समय देना पड़ रहा है, उसके बाद भी कम प्रॉफिट आ रहा है, इसी कारण से आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, इन्वेस्टमेंट के साथ में प्रोफेशनल तरीके से स्मार्ट वर्क के साथ उसी काम के साथ साथ में आप पार्ट टाइम में इसको शुरू कर सकते हैं, जहां पे आपको कंप्लीटली एक रेडीमेड प्रोजेक्ट पूरा का पूरा यहाँ पे मिलता है, जहां पे आप
बहुत सारे लोगों को अपने साथ एसोसिएट कर सकते हैं और इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया वो पहले से ही अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसका कस्टमर वर्किंग पहले से आपके पास में है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ यहाँ पे, आप किसी भी ऑनलाइन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं और मल्टीपल काम करते हैं, आपके शॉप से आपने एक ऑफिस डाल रखा है, छोटा सा सेटअप कर रखा है और पहले से आपका 200-300 कस्टमर आपने अलग अलग कामों के आपने अपने साथ एसोसिएट कर, आप हमारे साथ मिलकर प्रॉपर ट्रेनिंग और एजुकेशन लेकर पूरा सीखकर पार्ट टाइम में उन 200-300 लोगों को भी अप्रोच कर सकते हैं और उनको भी अपने साथ एसोसिएट कर सकते हैं जो पहले से कहीं ना कहीं आपके साथ में काम कर रहे हैं, राइट। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, आप पहले से ही उन लोगों पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पहले से ही आप उनको टाइम दे रहे हैं तो आपको अलग से बहुत ज्यादा टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल और केवल आपको उनको टाइम देना होगा, राइट। उसी के साथ आप इसको पार्ट टाइम में कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात बिजनेस करने की वो ये है कि आज की डेट में दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक तरफ होता है शॉर्ट टर्म बिजनेस, एक तरफ लॉन्ग टर्म बिजनेस, राइट। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उसी प्रकार से शॉर्ट टर्म बिजनेस और लॉन्ग टर्म बिजनेस होता है। आज की डेट में कोई भी शॉर्ट टर्म बिजनेस करना पसंद नहीं करता है, मतलब शॉर्ट टर्म बिजनेस मतलब किसी भी व्यक्ति से सिर्फ एक बार फायदा। आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी भी व्यक्ति का सिर्फ एक बार फायदा चाहता हो बीइंग ए बिजनेसमैन। बिजनेस कोई सा भी हो छोटा बड़ा, हर कोई व्यक्ति अपने बिजनेस से प्यार करता है, हर कोई अपने काम से प्यार करता है, उसको समझता है, अपना टाइम देता है, अपनी चीज़ें देता है, उसकी एजुकेशन लेता है, अपना टाइम स्पेंड करता है। तो कोई भी बिजनेस व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि वो इस तरह का बिजनेस करे कि वो आपका बिजनेस शॉर्ट टर्म बिजनेस हो, मतलब किसी व्यक्ति से आप एक बार किसी से प्रॉफिट ले। आप जो भी बिजनेस करना चाहेंगे वो बिजनेस लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ये हर कोई चाहता है। मैंने पिछले 12 वर्षों में टैक्स में रहते हुए बहुत सारे हजारों प्रोग्राम किए, कार्यक्रमों के अंदर बहुत सारे लोगों से मेरी वार्तालाप हुई, हर किसी ने कहा कि हम बिजनेस लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ में प्रॉपर बने रहे, हर तरीके से बने रहे। तो उसका रीज़न है क्योंकि हर कोई लंबा बिजनेस करना चाहता है और वो सारी की सारी चीज़ें उस बिजनेस में मौजूद हो, एक सपोर्टिंग सिस्टम मौजूद हो, एक एजुकेशन सिस्टम मौजूद हो और कहीं ना कहीं कोई सिस्टम आपको साथ लेके चले, उस ब्रांड के बैनर तले आप काम करें, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे में मौजूद हैं। आप हमारे बैनर तले हमारे साथ मिलके एक बिजनेस पार्टनर की तरह, चैनल पार्टनर की तरह जुड़ के हम प्रॉपर तरीके से इस काम को कर सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप लॉन्ग टर्म बिजनेस में ज्वाइन होंगे क्योंकि जहाँ पर हमारे पास जितने भी मैक्सिमम प्रोडक्ट हैं जो प्रोफेशनल प्रोडक्ट है, वैसे तो हमारे पास आईटी एजुकेशन बहुत सारे प्रोडक्ट है पर प्रोफेशनल प्रोडक्ट की, स्मार्ट प्रोडक्ट की अगर अपन बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें कस्टमर से आप एक बार डील करेंगे पर वही कस्टमर एक फाइनेंशियल खत्म होने के बाद, एक टाइम टेबल खत्म होने के बाद फिर से आपके साथ आएगा और अपने काम को कंप्लीट करेगा, राइट। तो ये उस तरह का काम है दोस्तों। और आपको कोई और भी सवाल हो, क्या कोई और भी सवाल हो आपका तो आप उसे भी पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, आप मैसेज डाल सकते हैं ताकि हम इसको एक बार प्रॉपर समझ लें और मैं आपको उसका प्रॉपर आंसर दे दूं। तो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप पर मिलके प्रॉपर वे में काम कर सकते हैं और जब आप हमारे साथ एसोसिएट होंगे तो आपको इसमें पूरा सिस्टम मिलेगा जहां पर रेडीमेड सिस्टम है, जहां पर सारी चीज़ आपको कम्प्लीटली यहां पर मिलेगी ही मिलेगी, राइट। तो आप इसको समझते हुए, प्लानिंग करते हुए, स्ट्रेटजी से इसको प्रॉपर काम में आप कर सकते हैं, राइट। दूसरी और महत्वपूर्ण बात जो है कि हमारे पास जो ये बिजनेस कॉन्सेप्ट है, जैसा कि मैंने आपको मार्केट पोटेंशियलिटी के हिसाब से बताया को पहले से ही ये सारी चीज़ें बाजार में मौजूद है और लोगों के लिए ये सब चीज़ें जरूरत है, तो आप इसको अपने शहर और क्षेत्र में अपने लोगों के बीच प्रॉपर मार्केटिंग करके, मतलब अपने टाइम टेबल को शेड्यूल करके इसको प्रॉपर आप कर सकते हैं। लॉकडाउन और कोरोना के बाद में हर कोई बिजनेस करना चाह रहा है क्योंकि हर कोई अपना खुद का ओन बिजनेस करके अपने खुद के टाइम टेबल को अपने हिसाब से सेट करके उस काम को वो प्रॉपर करने की करना चाह रहे हैं। तो उसका रीज़न यही है कि हर कोई चाहता है कि भाई हम लॉन्ग टर्म के लिए काम करें, लॉन्ग टर्म हमारा सेटअप हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है, आप लॉन्ग टर्म के लिए काम कर सकते हैं। जो भी आपका बिजनेस चल रहा है, मेरे पास कुछ सवाल आए हैं,
जो भी आपका बिजनेस चल रहा है उन्हीं के साथ में आप इसको पार्ट टाइम में मैनेज करते हुए कर सकते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से इसको आप प्लानिंग करके कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके पास ऑफिस और मिनिमम इक्विपमेंट है तो उसी के साथ शुरू कर सकते हैं, अगर नहीं भी है तो आप इसको मिनिमम इक्विपमेंट के साथ भी शुरू कर सकते हैं। एक आपको मैं यहाँ पे एक बात है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो कहीं ना कहीं आपके लिए है। जैसा कि मैंने आपको मंथली प्रॉफिट आपको बताया है, आप उसको महीने दर महीने दर महीने दर बढ़ा के कस्टमर बुकिंग करते करते उसको आप ईयरली प्रॉफिट की तरफ भी लेके जा सकते हैं। साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है बिजनेस करने के लिए वो ये होती है कि हम जब शुरू करते हैं तो हमारा सपोर्टिंग सिस्टम क्या रहेगा, क्या हम इसको पूरे साल कर सकते हैं, क्या इसको हर महीने क्या सिस्टम रहेगा। देखिए ये कोई सीजनेबल बिजनेस नहीं है, प्रोफेशनल काम है, हर किसी को इसकी ज़रूरत होती है। मैंने आपको बताया वो हमारे देश में केवल 5 से 6% लोग हैं जिस इंडस्ट्री का पूरा ऑडियंस के पास पहुंचने के लिए आप अपने टाइम टेबल के अंदर 1 से 2 घंटे निकाल के इसकी एक प्रॉपर्टी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हुए कंपनी से एजुकेशन सिस्टम लेते हुए लोगों को प्रॉपर गाइडेंस कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको जब थोड़ी टेक्निकल दिक्कत नहीं है इससे पहले बताया था कि कहीं ना कहीं पे मतलब ये आपके लिए अवेयरनेस फैलाने का पहला काम है। मतलब आप हमारे साथ अगर एसोसिएट होते हैं तो आपका सबसे पहला काम होगा लोगों को अवेयर करना, क्योंकि आपने इसको शुरू किया है, आप लोगों के साथ जुड़े हैं तो आपके लिए एक नई इंडस्ट्री है, आपके आसपास के लोगों को पता होता है, तो आपका पहला काम ये होगा कि आप इसको लोगों को इसके लिए प्रॉपर अवेयर करें, लोगों को जागरूक करें, लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में प्रॉपर बताएं और आप अपने साथ एसोसिएट करें। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पूरे देश भर में पहले से काम कर रहे हैं, आप हमारी वेबसाइट जाके विजिट कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हम ERA पैनल है, उस पर हम लोग काम करते हैं, एक बड़ा टैक्स में समूह है, 20 से ज़्यादा वेंचर हमारे काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे जो प्रमुख वेंचर है वो हमारा ई टैक्स में योजना है, जिसके अंदर एक ही छत के नीचे 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट है। इसको समझने के लिए आप हमने सबसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश में रोजगार बढ़े, बहुत सारे लोग अपना स्टार्टअप करें, क्योंकि पिछले 4-5 महीनों में हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसी इंक्वायरी आई है जिनका नया स्टार्टअप करना चाहता है, पहले अलग प्रोफेशन था अब इसको अपना मेन प्रोफाइल बना के काम करना चाहते हैं, जो काम वो कर रहे हैं उसी के साथ में उसको पार्ट टाइम में करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप इसको पार्ट टाइम में शुरू कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छी खूबसूरत बात इस बिजनेस की ये है कि ये इस तरह का बिजनेस नहीं है कि जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आप वहीं अपने लोग जोड़ेंगे, नहीं, आपका यहाँ पे कस्टमर कोई भी हो सकता है। मतलब आप कस्टमर बनाने के लिए किसी को भी कहीं पर भी अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप जयपुर शहर में बैठे हुए हैं और आपके मिलने वाले आसाम में हैं, आपके मिलने वाले लेह लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, आपके मिलने वाले कर्नाटक में हैं, तो आप उन कस्टमर को भी अप्रोच कर सकते हैं, आप रिलेटिव होते हैं और उनको भी आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं जहां पर आप बैठे, क्योंकि ये सारा का सारा काम ऑनलाइन होता है और इसमें आपका कंपनी आपका पूरा सपोर्ट करती है, पूरा एक एजुकेशन सिस्टम होता है, पूरा पैनल बना होता है जिसके तहत आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता है, जहां पर आप और हम मिलके इसमें प्रॉपर काम करते हैं, राइट। तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से किया जा सकता है, तरीके से किया जा सकता है और करके इसके ऊपर प्रॉपर काम किया जा सकता है, और एक स्मार्ट इनकम के साथ साथ में आप अपनी एक बहुत ही अच्छी प्रोफाइल भी इसको ढंग से आप बना सकते हैं, राइट। साथ ही साथ जो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात जो होती है वो ये होती है कि आप टैक्सेशन के साथ साथ में बहुत सारे लोगों को हमारी जो बहुत सारी दूसरी सुविधाएं हैं जैसे कि IT प्रोडक्ट है, एजुकेशन प्रोडक्ट है, उन सबको भी आप अप्रोच कर सकते हैं, उन सभी की भी सुविधाएं बढ़ाने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, उसकी प्रॉपर एजुकेशन लेनी पड़ती है, उसके बाद वो बिजनेस आपका कहीं ना कहीं वहां पे प्रॉपर बढ़ता। हम आपको B2B में लेते हैं, मतलब बिजनेस टू बिजनेस में हमारी हर चीज आप तक पहुंचती है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, ट्रेनिंग पैकेज हो, सारी के सारी चीजें, न्यूज हो, अपडेट हो, आप इसको B2C बना के प्रॉपर काम कर सकते हैं। जैसे कि आप B2C कैसे बना सकते हैं, इसको आप बिजनेस टू कंज्यूमर लोगों तक पहुंच सकते हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसको दे सकते हैं, प्रॉपर गाइड आप उनको कर सकते हैं, और आप लोगों का इसका फैमिलियर बिजनेस भी बना सकते हैं। जैसे कि आपने किसी
किसी प्रोडक्ट की सर्विस दी, उसी फैमिली में अगर किसी और प्रोडक्ट की जरूरत है या उसी फैमिली में कोई और रिटर्न भरना चाहता है, कोई जीएसटी नंबर लेना चाहता है, कोई कंपनी बनाना चाहता है, कोई और काम करना चाहते हैं या कुछ और हो, तो आप उनकी एज ए फैमिली बिजनेस बना के भी उनकी आप हेल्प कर सकते हैं, और एक मिनिमम इक्विपमेंट में मिनिमम रेट रख के अपने शहर में अलग तरीके से वहां पे आप हम उसके अंदर कर सकते हैं। दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात जो है यहाँ पे यह है मैं अगले 5 मिनट बाद कुछ सवाल लूंगा, तो आप लोगों को अगर मेरी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है जवाब मैं प्रॉपर आपको दूंगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, आपको ऑनलाइन पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, उसके पूरे टूल्स दिए जाते हैं, और अभी चूंकि थोड़ी सी कोरोना और इसकी वजह से अनलॉक टू स्टार्ट हो गया, इस जैसे ही इसकी मार्केट में थोड़ी सी ट्रेवलिंग वेवलिंग स्टार्ट होती, प्रॉपर हम काम कर पाते, उसके बाद हम लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग पैकेज भी हम लोग जो देते हैं उसको भी हम लोग आपको प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा एक एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पर आप और हम मिलके ही इसके ऊपर प्रॉपर काम करेंगे, और मिलके ही ये काम प्रॉपर होने से आगे बढ़ता है। आगे मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, इसके अंदर बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, अलग अलग गूगल मीट और अलग अलग कार्यक्रम करता हूँ, उसके दौरान मेरे पास कुछ सवाल आए हैं कि सर हम क्या हम इसको जो हम इसको कंपनी का कंटिन्यू करें, क्या हम आगे इसको कंटिन्यू कर पाएंगे, क्या सर हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे, क्या सर हम जो लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, जो करियर चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्या वो ये संभावना है, इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहूंगा। देखिए, किसी भी व्यवसाय के अंदर ग्रोथ लेना कहीं ना कहीं आप पे ही डिपेंड होती है, राइट। ग्रोथ को समझना पड़ता है, आपको एक टाइम स्पेंड करना होता है, एक एजुकेशन सिस्टम को समझते हुए उस काम को प्रॉपर करना होता है, और कहीं ना कहीं ग्रोथ आप ही के बिजनेस और आप ही के काम करने के तरीकों पे ऊपर ही डिपेंड होती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फ्रेंचाइजी है जिनके पास 2,000, 5,000, 6,000, 3,000, 4,000 अलग अलग तरह के कस्टमर जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको उस बिजनेस को करते टाइम हो चुका है। किसी भी बिजनेस के अंदर एकदम से कुछ भी नहीं होता है, आपको उसमें अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, अपना टाइम देना पड़ता है, टाइम के साथ साथ में आप उसको प्रॉपर एजुकेशन लेनी होती है, और अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो एक समय के बाद आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी भी आती है, आप ग्रोथ भी लेते हैं, और आप प्रॉपर में वर्किंग कर सकते हैं, और अपने धीरे 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 जरूरत के हिसाब से इक्विपमेंट को बढ़ा सकते हैं, और जो बिजनेस के एथिक्स होते हैं, बिजनेस के जो एथिक्स होते हैं, उन बिजनेस के एथिक्स के ऊपर भी आप प्रॉपर काम कर सकते हैं, राइट। तो इन्हीं चीज़ों से आप ग्रोथ भी ले सकते हैं, अपने बिजनेस में स्टेबिलिटी भी ला सकते हैं, और आपने देखा होगा कोई भी प्रोफेशन आप ले लीजिए, दुनिया का कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए, केवल डिग्री डिप्लोमा से कुछ नहीं होता है, उसके बाद भी आपको वहां पर एक प्रॉपर समय देना होता है, वो प्रॉपर समय देने के बाद ही आपको कहीं ना कहीं वहां पे एक करियर दिखता है, एक स्टेबिलिटी दिखती है, फिर आप वहां पे प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ वहां काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा वो हमारे साथ एसोसिएट होने के लिए चलिए, तो मैं कुछ सवाल ले लेता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं आपको उन सवालों के जवाब देता रहूँ, उससे भी हम उसको समझ सकते हैं। आज मैं माफी चाहूंगा आपके साथ में, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम इसको कंटिन्यू प्रॉपर नहीं कर पाए, कुछ इश्यूज हमारे साथ में आए, नेक्स्ट टाइम हम इसके प्रॉपर ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़ना चाहूंगा मैं। तो सवाल है जैसे कि पुनीत वर्मा जी हैं, नामदेव पुनीत वर्मा जी हैं, उनका सवाल है कि ये ईयरली कस्टमर रिपोर्ट्स क्या होती है, कैसे ईयरली कस्टमर रिपोर्ट्स मिल सकती है क्या। देखिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सवाल का, लेकिन मैं थोड़ा सा समझ पाऊँ, जितना समझ रहा हूँ मैं उसका जवाब आपको देता हूँ। ईयरली कस्टमर रिपोर्ट्स अगर आप जुड़ने के बाद अगर सिस्टम से मांग रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे अंदर आपके मंथली की रिपोर्ट्स निकलती है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कोई और रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोई काम आपने किया, तो उसकी मंथली रिपोर्ट बेसिस के ऊपर आप लेके उसकी रिपोर्ट आप प्रॉपर बना सकते हैं। अगर कोई और सवाल है तो आप मुझे प्रदीप जी बता दीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा मुझे सवाल का। कुछ टैक्स में एडवर्टाइजमेंट लास्ट डेट के साथ मिल सकती है क्या, टैक्स में एडवर्टाइजमेंट लास्ट डेट के साथ। जी, जितनी भी लास्ट डेटें होती हैं, जो जो जहाँ पर लास्ट डेट होती है, वो सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको आपके सॉफ्टवेयर पैनल के साथ में आपको मिलते हैं, जहाँ पर आप उसको प्रॉपर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मिलते हैं। और जितनी लास्ट डेट है वो प्रॉपर आपको बताई जाती है, प्रॉपर उसके नोटिफिकेशन आपको दिया है, मेल मोबाइल ऐप के ऊपर आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते हैं, वहाँ आपको देख सकते हैं। के साथ प्लान थोड़ा डिटेल में, ट्रेनिंग प्लान थोड़ा सा डिटेल में बताइए। देखिए ट्रेनिंग प्लान, देखिए बेसिकली हमारे यहाँ पे दो तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल होते हैं। पहला ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है ऑनलाइन, पहला ट्रेनिंग प्लान मॉड्यूल होता है ऑनलाइन, जहाँ पे आप इनिशियल लेवल शुरू करके, जहाँ पे आप इनिशियल लेवल पे शुरू करके, इनिशियल लेवल पे शुरू करके वहाँ पे आप ट्रेनिंग लेके उसको आपको इनवाइट किया जाता है। हमारा जो हेड ऑफिस है यहाँ पे आपको पूरा फैसिलिटी दी जाती है, और प्रैक्टिकली आप काम को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उसके बारे में, आप प्रॉपर कैसे करेंगे, किस टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, कैसे डिलीवरी होगी उसको पूरा बताया जाता है। साथ इस मार्केटिंग का आप कैसे करेंगे, कैसे हम लोगों के बीच जाएंगे, किस तरह से हम प्रोडक्ट को काम उठाएंगे, किस तरीके से हम काम लेंगे, ये सारा का सारा आपको वहाँ पर बताया जाता है, राइट। साथ ही साथ ट्रेनिंग के लिए आपको बहुत सारे वीडियोज हम दिखाते हैं, जिन्हें आप देख कर भी समझ सकते हैं काम को और प्रॉपर कर सकते हैं, राइट। इसके लिए आपका टैक्सेशन फील्ड के लिए प्रोफेशनली होना जरूरी नहीं है। अगला सवाल है सुधाकर जी, सुधाकर जी दोबाले का सवाल है, ट्रेनिंग एंड डेमो क्लास दीजिए। दी बेसिकली ये ट्रेनिंग आपको लगता है कि आपको सॉफ्टवेयर का डेमो चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग का डेमो चाहिए, तो आप हमारे जो भी प्रतिनिधि है जिनसे आपकी वार्तालाप चल रही है, आप उनसे अपडेट होके प्रॉपर आप डेमो ले सकते हैं, प्रॉपर सी क्लास ले सकते हैं, और क्लास लेते हुए आप समझ सकते हैं कि आपको इसके तरह किस तरह काम को करना है, और समझ के फिर आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं डेमो समझ के आप, क्योंकि उसके अंदर आपको एक प्रॉपर टाइम लगेगा, 1 से 2 घंटे आपको लग सकते हैं उसको समझते हुए आप प्रोसेस को कर सकते हैं। जी हमारे साथ में दीपक जी है ना, फ्रेंचाइजी वर्क कैसे चलता है ये बताएं। बहुत सारे लोग को दर उनके अकॉर्डिंग रेट्स को लेकर अगर कुछ रहता है, वर्क कैसे चलता है, सबसे पहले आपको जुड़ना होता है, जुड़ने के बाद ट्रेनिंग एजुकेशन होती है, उसके बाद आपको एक स्मार्ट वर्क करना होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, स्मार्ट वर्क करना होता है, राइट। सबसे पहले आपको बैठ के लिस्ट बनानी होती है, लिस्ट बनाने के लिए आप कौन लोग आपसे जुड़ सकते हैं, किन लोगों को रिक्वायरमेंट है, कौन लोग है जो पहले से कहीं से रिटर्न भरवा रहे हैं कि नहीं भरवा रहे हैं, वो सारी बात करने से पता चलेगा। तो सबसे पहले बिजनेस शुरू होने के साथ साथ में आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है, एक लिस्ट में काम करना होता है कि आप कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप प्रॉपर जानते हैं, जिन्हें आप अप्रोच कर सकते हैं, वो जितने भी लोग होते हैं 100, 50, 200, एक लिस्ट बनाइए, उनका नंबर लिखिए, क्या रिलेशन है, लास्ट टाइम कब बात हुई, और उनके साथ बातचीत करिए, पता करिए क्या उनका पैन कार्ड बना हुआ है,
क्या वो रिटर्न भरते हैं कि नहीं भरते हैं, क्या उनके पास किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन है, अगर वो नहीं भर भी रिटर्न तो कितने सालों से भर रहे हैं, क्या पर्पज़ है भरने का, और जो लोग नहीं भर रहे हैं वो क्यों नहीं भर रहे थे, उन्हें प्रॉपर अवेयर करिए, अवेयर करके उनकी डॉक्यूमेंट्री करिए। और एक मिनिमम रेट के ऊपर, पॉइंट शुड बी नोटेड, मिनिमम रेट के ऊपर आप वहाँ पर स्टार्ट करिए, राइट। मिनिमम रेट पर आप वहाँ पर प्रॉपर काम को स्टार्ट करिए, उनको समझाइए। कहते हैं व्यवसाय करने के लिए पहले पैसों को प्राथमिकता दी जाती है, ये बिल्कुल सही बात है। पहले व्यवसाय करने के लिए व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है। आप छोटे छोटे अलग अलग लोगों से जुड़िए, अलग अलग लोगों को अपने साथ जोड़िए, एक्सपीरियंस को बढ़ाइए। अगर आप टैक्सेशन फील्ड से नहीं हैं, अगर आप अलग तरह का काम करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको समझिए, समझते हुए लोगों को अप्रोच करिए, लोगों को अप्रोच करते हुए एक मिनिमम रेट में अपने साथ एसोसिएट करिए, राइट। जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। और शुरुआती दौर में हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे भारतवर्ष में हम एक मिनिमम रेट के साथ में रोजगार प्रोवाइड करा रहे हैं, इसीलिए बहुत ही मिनिमम रेट में मिनिमम इक्विपमेंट के साथ घर से भी हम लोग काम शुरू करा देते हैं। उसे में हम लोग एक लगभग आपको शुरुआती दौर में 1 लाख रुपये कमाने के लिए, सबसे छोटे प्लान की बात कर रहा हूँ, 1 लाख रुपये तक कमाने के लिए हम अर्निंग सोर्सेज आपको प्राप्त कराते हैं, ताकि आपके पास शुरू का 1 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ आप सेव कर सके, हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा सके। ये भी हम फैसिलिटी आपको देते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो 1 लाख रुपए तो आपके पास कहीं ना कहीं आता ही आता है, 80,000 1 लाख रुपए। साथ ही साथ आपके पास शुरुआत के 150 कस्टमर भी आपके साथ जुड़ते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़े रहने के साथ साथ में आगे आपको प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं होता है। उनसे आपको अगले 100 कस्टमर कैसे बनाने उसका भी रास्ता आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो थोड़ी थोड़ी मार्केटिंग करते हुए प्रॉपर आप इस काम को कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। जी जी पुनीत जी, आपका सवाल फिर से आया कि आप सॉफ्टवेयर से, जी हाँ, आप मंथली रिपोर्ट निकाल सकते हैं सॉफ्टवेयर से, जहाँ से आप मंथली रिपोर्ट में ये देख सकते हैं कि जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं या जिनको आपने लास्ट मंथ में सर्विसेज दी है, उनकी आप मंथली बेसिस के ऊपर रिपोर्ट निकाल सकते हैं। उसके साथ साथ में आप ये सॉफ्टवेयर में देखना पड़ेगा कि उसकी ईयरली रिपोर्ट निकलेगी या नहीं निकलेगी। अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो अगर फीचर्स नहीं उसको अपडेट किया जा सकता है, लेकिन मंथली रिपोर्ट आप उसकी निकाल सकते हैं। और अगर आप फाइनेंशियल एडवाइज निकालना चाहते हैं तो उसकी फैसिलिटी भी सॉफ्टवेयर में दे रखी होती है, फाइनेंशियल एडवाइज फिल्ट्रेशन लगा के अलग अलग। जी दीपक जी का फिर से सवाल है, माय रिक्वेस्ट प्लीज गिव डिटेल हाउ डज कंपनी वर्क, ऑलमोस्ट पर्सन कंफ्यूज दे कैन अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू वर्क। या देखिए दीपक जी, मैंने इससे पहले 2 बार बताया था कि हम कोई बिजनेस करते हैं वो 2 तरह से होता है, डिमांड और सप्लाई से। जब हमारी फ्रेंचाइजी हमारे साथ जुड़ जाती है, हम उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, उसके बाद वो अपने लेवल पे वहाँ पे मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट्री पार्ट उस काम को करने के लिए होता है वो डॉक्यूमेंट्री कलेक्ट करते हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और वो कलेक्ट करने के बाद जो सॉफ्टवेयर उन्हें मिलता है उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो उसको प्रॉपर चैनल के अंदर प्रॉपर तरीके से लेकर उस काम को कंपनी तक पहुंचाते हैं। कंपनी उस काम को कंप्लीट करके फिर से आपको सॉफ्टवेयर में ही प्रोवाइड कराती है, जिससे आप कस्टमर को उसकी डिलीवरी दे सके। दोनों पाथ से काम होता है, दोनों तरीकों से काम होता है। तो मतलब इसको ये समझिए कि फ्रेंचाइजी लगने के बाद में, हमारे साथ बिजनेस पार्टनर बनने के बाद में, आपका काम डिमांड का रहेगा, हमारा काम सप्लाई का रहेगा। डिमांड काम आपका कैसे बढ़े, उसकी प्रॉपर मार्केटिंग आप कैसे करेंगे, कैसे क्या सिस्टम रहेगा, वो हमारे प्रतिनिधि भी आपको सपोर्ट करते हैं, हमारा कस्टमर केयर, हमारा सपोर्ट सिस्टम भी आपको वहाँ सपोर्ट करता है। और जब वो काम आप ले लेते हैं, जो डॉक्यूमेंट्री वाला पार्ट आपका रहता है, वो काम लेके आपको कंपनी को देना होता है, कंपनी उस काम को कंप्लीट करके आपको वापस उसकी डिलीवरी देती है। इस तरीके से 2-वे कम्युनिकेशन में सिस्टमेटिक तरीके से इसका काम होता है। अब वो प्रोडक्ट आपका कोई सा भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट आपका कोई सा भी हो सकता है, उसका अलग अलग पाथ से आप उसको काम को प्रॉपर कर सकते हैं। देखिए कहीं पर भी जुड़ रहे हैं,
हम यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, कोई चीज नहीं बेच रहे हैं। फ्रेंचाइजी सेलिंग मीन्स हम एक बिजनेस पार्टनर बना रहे हैं। फ्रेंचाइजी सेलिंग मीन्स हम एक बिजनेस पार्टनर बना रहे हैं, मतलब आप इसको ये समझिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। दिख रहा आपको प्रॉपर? दिख रहा? मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये यहाँ पे टैक्स वे है, ये फर्स्ट पार्टी है। हम यहाँ पे हमारी जो बिजनेस पार्टनर बनाते हैं वो यहाँ बनाते हैं, चाहे आप एजेंसी की ले लीजिए, ये हमारी सेकंड पार्टी है, राइट। हमें पूरे देश के अंदर काम करना है, ये होता है आपका बी टू बी सिस्टम, राइट। ये होता है बी टू बी सिस्टम। जब आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो सारा का सारा कम्युनिकेशन आपका हमारे साथ में यहाँ पे रहता है, टू वे कम्युनिकेशन चलता है। हमने आपको एसोसिएट किया, आप हमारे साथ एसोसिएट हुए, दैट इज कॉल्ड बी टू बी सिस्टम। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका कस्टमर, इसको बोलते हैं बी टू सी। बी टू सी, बी टू सी मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, राइट। क्योंकि हमारा यहाँ पर कोई इंटरफेरेंस आपके कस्टमर में नहीं रहता है, हमारा कोई इंटरफेरेंस आपके कस्टमर में नहीं रहता है, राइट। थोड़े पास में सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ बी टू बी रहता है, इस वजह से हम हमारी जो हमारा बिजनेस पार्टनर होता है, हम उनको कंप्लीटली यहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर सपोर्ट, प्रॉपर कंसल्टेंसी, हर चीज हम हमारी बिजनेस पार्टनर को यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, राइट। क्योंकि हम फर्स्ट पार्टी होते हैं, आप सेकंड पार्टी होते हैं, और कस्टमर जो होता है वो हमारा कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी कस्टमर होता है। हमारा कस्टमर में इंटरफेरेंस डायरेक्ट नहीं रहता है। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, आप किसी का भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, राइट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, आप अब कस्टमर से क्या करेंगे? सबसे पहले आपका हमारे साथ क्या डील है, हम आपसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन में मात्र 250 रुपए हम आपसे लेते हैं, ये हमारी फ्रेंचाइजी की रेट है, राइट। अब इस 250 रुपए में हमारा जीएसटी अमाउंट शामिल होता है, और हमारा हमारी फ्रेंचाइजी का कमीशन भी इसके अंदर शामिल होता है। अगर मान लीजिए आप हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल की फ्रेंचाइजी है, तो ये प्रोडक्ट लगभग लगभग आपको जीएसटी हटाने के बाद में लगभग लगभग 210 रुपए के आसपास, मान लीजिए ये रेट आपको इसकी मिलती है, सॉरी 210 रुपए नहीं, 200 मान लीजिए, एग्जांपल दे मान लीजिए 200 रुपए का आपको ये प्रोडक्ट पड़ता है। अब आपको ये बात पता है कि मुझे कंपनी से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए 200 रुपए पे करना, राइट, 200 रुपए आपको यहाँ पे देने हैं, राइट। अब आप जो ये कस्टमर है आपका, जिससे आपने डॉक्यूमेंट्री पार्ट किया, जिससे आप डील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोकल एरिया में कहीं पर भी बात कर रहे हैं, अब आपकी रेट क्या हो सकती है? आप उनसे 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए, 2500 रुपए, 3000 रुपए, अपने हिसाब से, आपके वहां पे चल रहे मार्केट के हिसाब से डील कर सकते हैं। इसे बोलते हैं बी टू बी मार्केटिंग, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग। और इसी के लिए हमने रोजगार मुहिम कराने के लिए पूरे देश भर में एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक सेटअप बना रखा है। एक मैंने आपको प्रोडक्ट का एग्जाम्पल दिया है, आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप काम करेंगे, तो आपकी कंपनी में एक बेस रेट होगी, उस बेस रेट में इंक्लूडिंग जीएसटी होगा, और आप जिस भी फ्रेंचाइजी लेवल पे हमारे साथ काम कर, हमारे 10-12 लेवल है, किसी भी लेवल पर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, आप वहां पर उसका कमीशन जो होगा वो भी कैलकुलेट होकर वॉलेट में आपका वापस अपडेट हो जाएगा। अगर आपके पास जीएसटी नंबर वगैरह का, आप उसको इनपुट, जो जीएसटी लगा उसको इनपुट भी ले सकते हैं। ये रेट आपके साथ, कस्टमर के साथ हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं है, आप कस्टमर से जो डील करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, इस तरीके से बिजनेस होता है। तो उस प्रोडक्ट को डिलीवरी करने के लिए हम सप्लाई पार्ट में रहेंगे, और उस काम के ऊपर करने के लिए आप डिमांड पार्ट में रहेंगे, और आप सीधा कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं जो कि पहले से ही आपके पास कस्टमर वॉकिंग है, 1000, 2000, 5000, 100, 200, 400,
तो आप उनको, उनका नाम तो सबसे पहले लिस्ट में अप्रोच कर सकते हैं, उन्हें तो आप कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। उनके अलावा भी आपके नियर डियर निबेबर, आपका नेचुरल मार्केट, आपके रेफरेंस पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे, आपके क्षेत्र में जहां पर भी लोग हैं, आप उन्हें तो कभी भी अप्रोच कर सकते हैं बिजनेस के लिए, क्योंकि ये बिजनेस इस तरीके से होता है। अब एजुकेशन आपको दी जाएगी, सपोर्ट आपको दिया जाएगा, सॉफ्टवेयर आपको दिया जाएगा, मेंबरशिप आपको दी जाएगी, हर चीज हर प्रकार से सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोवाइड की जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आप अपने क्षेत्र में किस तरह काम करते हैं, हमारा कोई इंटरफेयर उसमें नहीं रहेगा, चाहे रेट वाइज हो, सर्विस वाइज हो, डिलीवरी वाइज हो, आपका ही इंटरेक्शन उनके साथ रहेगा, क्योंकि वो कंज्यूमर डायरेक्ट आपके साथ एसोसिएट हो रहा है और आप और हम मिलके उसको डिलीवरी दे रहे हैं, जहाँ पे आप और हम दोनों मिलकर यहाँ पे काम करेंगे। तो इस तरीके से आपका कस्टमर बनेगा और मिनिमम रेट पे आप काम कर सकते हैं, अपनी खुद की मार्केट रेट आप खुद बना सकते हैं और हमारे साथ मिलकर आप मिनिमम, आज जीएसटी रजिस्ट्रेशन की हमारी रेट है 250 रुपये, 250 रुपये मात्र। और आज आप किसी के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेने जाएंगे, खुद प्रैक्टिकली सीखिए, किसी कहीं पर भी प्रोफेशनल पर्सन से अगर आप बात करेंगे तो कम से कम 2,000, 3,000, 5,000 रुपये आपसे कोई भी ले सकता है। आपको अपना बिजनेस बनाना है, आपको पार्ट टाइम में प्रॉपर काम करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, आपको रेगुलर इनकम को अर्न करना है, तो एक बार आप अपनी मिनिमम कम रेट के साथ में भी इस काम को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं और अपना कंज्यूमर मार्केट बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं अपने क्षेत्र के अंदर। और शुरुआती दौर में हो सकता है कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़े, अगर आप नॉन प्रोफेशनल हैं, अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने हमारे टूल्स इतने प्रॉपर बना रखे, इतनी इजी बना रखे, कि आपको शायद उसकी कोई रिक्वायरमेंट भी प्रॉपर नहीं होगी, आप इसको तरीके से करते हुए इसको आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। अगर मैं आपके यहाँ बात करूँ, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, उसी प्रकार से आपको सारे प्रोडक्ट का ऑर्डर भी आपको सॉफ्टवेयर से देना होगा, सारा काम आपको सॉफ्टवेयर से करना होगा और सिस्टमेटिक करके आप अपने कंज्यूमर को टाइम टू टाइम डिलीवरी दे सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म के लिए उसको आप जोड़ सकते हैं, राइट। अगला सवाल हम ले लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दीपक जी आपको मेरी बात पूरी समझ में आई होगी, जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब मैंने आपको दिया। फिर भी दीपक जी, अगर आपको कोई डाउट हो अभी भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर उसका जवाब दूंगा। जी, अगला सवाल ले लेते हैं। संसाद कुमार प्रधान जी हमारे साथ में हैं, उनका सवाल है कस्टमर जो इन्वेस्ट करेगा वो कंपनी के ऊपर कैसे बिलीव करेगा। देखिए मैंने आपको बताया संसाद जी, यहाँ पे कस्टमर आप पे बिलीव करेगा, कस्टमर वर्किंग हमारा वर्क नहीं, हमारा बी टू बी वर्क है, हम आपको जोड़ रहे हैं बी टू बी चैनल में, बिजनेस टू बिजनेस में जोड़ रहे हैं, जहाँ पर कस्टमर वॉकिंग सीधी आपके पास रहेगी, आप हमारे साथ एसोसिएट रहेंगे, राइट। टैक्सवे की प्रोफाइल को और समझने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.etaxwayservices.com, वहाँ जाकर समझ सकते हैं। कस्टमर वॉकिंग आपके पास रहेगा, ट्रस्ट आपको देना है, और जो कस्टमर पहले से ही आपके पास में है उनको आप इजी तरीके से टारगेट करके, उन्हें अप्रोच करके इजी वे में शुरुआती 150 कस्टमर आप बना सकते हैं प्रॉपर वर्क में काम करके। तो कस्टमर का ट्रस्ट आपके ऊपर रहेगा सर, हमारा ट्रस्ट आपके ऊपर रहेगा, आप और हम साथ में मिलेंगे जब कस्टमर इंटरफेयर हमारे साथ में रहेगी। हाँ, कुछ काम अगर आपके पास ऐसे आते हैं, ऑडिट का काम आ रहा, आरओसी का काम आ रहा, बड़ा काम कोई आपके पास में आ रहा है जहाँ लग रहा है कि कस्टमर से बात करनी है, तो फिर वो सिस्टमेटिक तरीके से कस्टमर से भी बात की जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं कि हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम बिल्कुल बात उनसे करेंगे, लेकिन आपके लिए हमारे पास अगर उनका कॉल आता है, मेल आता है, मैसेज आता है कि आपके साथ क्या डील है, क्या मिल रहा है, तो हम उसके अंदर कोई इंटरफेयर किसी भी तरह का नहीं करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बी टू बी बिजनेस कर रहे हैं। अगला सवाल हम लेते हैं, नीरज जी है हमारे साथ, ट्रेनिंग कब होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जुड़ते हैं तो ट्रेनिंग तो आप कभी भी ले सकते हैं, ट्रेनिंग आपका कभी भी हो सकता है, आप अपना पेज बना के सपोर्ट सिस्टम के द्वारा ट्रेनिंग आप कभी भी ले सकते हैं। और जो ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है, अभी चूंकि कोरोना है, अनलॉक 1-2 चल रहा है, अभी ट्रेवलिंग बंद है, कल रात को राजस्थान की सीमाएं फिर से सील कर दी गई है, कोरोना बराबर बढ़ रहा है, आप लोगों को अपना ध्यान भी रखना है, स्वस्थ भी रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, इसलिए हम लाइव मिल रहे हैं। जैसे ही ट्रेवलिंग शुरू होगी उसके बाद हमारे बैचेस बनेंगे, बैच अब बनेंगे, तब आपको इनवाइट किया जाएगा, तब आपकी 2 डेज की ट्रेनिंग होगी, वो पैकेज ऑलरेडी हमारे
मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्लान में रहता है आपको समझते हुए, फिर आप ट्रेनिंग के अंदर आएंगे, आप उस तरह से आपकी ट्रेनिंग हुई, तब तक आप एक बार ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके इस काम को प्रॉपर कर सकते हैं। मयंक जी है सर, 1 तारीख से रोज कॉल आ रही है, कॉल आ रही है बट ट्रेनिंग नहीं हुई है। तो मयंक जी आप प्रॉपर एक बार सपोर्ट पर टिकट जारी करिए, अपने सीनियर बीडीपी से कांटेक्ट करिए, कौन आपके बीडीपी है उनसे बातचीत करिए, कहाँ दिक्कत आ रही, क्यों ट्रेनिंग नहीं हो रही, क्योंकि अभी फीफो मेथड चल रहा है, ट्रेनिंग ये प्रॉपर हो रही है, सभी को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है, कहाँ दिक्कत आ रही समझिए आप और उसकी ट्रेनिंग लीजिए ताकि आप प्रॉपर काम स्टार्ट कर सकें। मयंक जी फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर आएगा, आप उनसे कॉन्टेक्ट करिए और उस काम को प्रॉपर करिए। सर आप आगे बढ़ते हैं, सवाल हम यहाँ पे ले लेते हैं। अगर हमें नीरज जी कह रहे हैं सर वर्किंग स्टार्ट करनी है तो सॉफ्टवेयर कब तक मिलेगा, आईडी पासवर्ड तो मिल गया था, सॉफ्टवेयर कब तक मिलेगा? जी, तो वो सॉफ्टवेयर ऑनलाइन होता है सर, ऑनलाइन होता है, आपको लिंक दिया जाएगा, वहाँ जाके आपको आईडी पासवर्ड अपडेट करना है और वहीं जाके आपको प्रॉपर काम स्टार्ट करना है और वहीं से होगा, उसी की आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है। एक बार नीरज जी आप परेशान ना हो, एक बार आप बीडीपी से कॉन्टेक्ट करें ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस करेंगे किस तरह से आपका काम शुरू होगा इसके अंदर। अगला सवाल हम ले लेते हैं, सीमांता बोरा जी हैं, आईटीआर 250, रजिस्ट्रेशन 1000। सर जी सर मतलब ये रेट क्या बताना चाह रहे हैं आप, मतलब रजिस्ट्रेशन अपडेट हो गया है सर, आप अपडेट प्रोडक्ट लिस्ट दीजिए सीमांता जी, दो का है वो आपको 224 रुपये का आपको पड़ता है, अगर आपके लेवल अलग अलग है तो आपको कम से कम रेट में भी अवेलेबल है, एक बार आप प्रोडक्ट लिस्ट लीजिए अपडेटेड, उसको आप चेक करिए सर, बहुत सारे प्रोडक्ट की रेट अपडेट हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं हम, अभिनय कुमार टंडन जी हैं, अभिनय जी जीएसटी रेट, जी अभी जीएसटी रेट अपडेट हो चुकी है अभिनव जी, प्रोडक्ट लिस्ट लीजिए आप, वहां से अपडेट हुई है, 250 रुपये जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रेट हो चुकी है, जो कि लेवल वाइज आपको 180, 170, 200, 190 रुपये का पड़ता है, आप समझिए उस रेट को, आप देखते हुए आप किसी को कमिट कर सकते हैं, उस हिसाब से आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं, अभी 2 दिन पहले ही बहुत सारे प्रोडक्ट की रेट अपडेट हुई है। जी अगला सवाल हम ले लेते हैं, सुमंता जी यस ऑलवेज इंस्पायर यू सर विच कैन हेल्प आवर बिजनेस ग्रोथ, थैंक यू सुमंता जी, आप बिल्कुल लगे रहिए सर, हम एक फैमिली की तरह काम कर रहे हैं, एक फैमिली बिजनेस है जहां पर आप और हम मिलके काम करेंगे सर, राइट। संसाद कुमार जी हैं, इन्वेस्टमेंट में जो प्लीज आप उसके लिए आप अपने बीडीपी से कॉन्टेक्ट करें, उन्हीं से आप इसको समझें कि वो कौन से इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, आप उन्हीं से समझिए, उसी को देखिए आप, हम यहाँ पे आज फ्रेंचाइजी की बात कर रहे हैं। जी आकाश माथुर मधुर जी हैं, अदर कंपनी 100 रुपये चार्ज करती है और आपकी कंपनी 250 रुपये, फिर आप क्यों? बहुत बढ़िया, देखिए जहां तक मैं पिछले इतने सालों से सिस्टम में जुड़ा हूं, मुझे लगता नहीं कि 100 रुपये में आपको सर्विसेज दे रहा होगा, अगर दे भी रहा होगा तो वो जो सैलरीड पर्सन होते हैं जिनकी फॉर्म 16 वगैरह होता है, उनके रिटर्न भरने में आपको 100 रुपीज में रिटर्न दे रहा होगा, शायद बैलेंस शीट और कंपटीशन आपको प्रॉपर नहीं दे रहा होगा, और एक काम करने का भी स्टैंडर्ड होता है, इतनी महंगाई की दौर में सर आप 100 रुपये में कितने कस्टमर बना लेंगे आप, हाउ कैन पॉसिबल, आज हम जीएसटी रिटर्न की रेट हमारी 100 रुपये 150 रुपये है, रजिस्ट्रेशन 200 250 रुपये है, हमारा इनकम टैक्स का रेट 225 रुपये है, उसमें भी जीएसटी अमाउंट हमारी मिनिमम रेट तो 150 रुपीज ही है, उसके बाद उसमें जीएसटी और कमीशन की वजह से आपको 225 रुपये की पड़ती है, बट आप जब हमारे साथ जुड़ते हैं शुरुआती दौर में हम आपको 70 से 80 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक मिनिमम
अर्न करने के लिए हम आपको रिवॉर्ड बैलेंस भी प्रोवाइड कराते हैं, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, एक कंपनी का भी एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम मिनिमम से मिनिमम जो रेट हो सकती है हम उसमें ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि सर 100 रुपये में तो कहीं भी कुछ मिल रहा होगा। अगर देखिए 100 रुपये मिल रहा है तो प्रोफेशनल सर्विसेज तो नहीं मिल रही होगी उसको, जिस तरीके से हम रिटर्न फाइल या प्रॉपर काम करके दे रहे हैं उस तरीके से तो नहीं मिल रही होगी। और आप, मैं आपको बताऊं सर, मुझे बहुत सारे स्टेट की, बहुत सारे शहरों की रेटें पता है, कहीं पे 5,000 रुपये, कहीं पे 2,000 रुपये, कहीं पे 3,000 रुपये। शायद मुझे लगता नहीं 100 रुपये लेके कोई सर्वाइव कर लेगा। तो हम पर्टिकुलर किसी एक या दो व्यक्ति या किसी एग्जाम्पल से हम नहीं कर सकते हैं। तो हमारी वैसे भी मिनिमम रेट 150 रुपये है, लेकिन एक आप भी अगर हमारे साथ जुड़ेंगे, आप वहीं पर भी जुड़ेंगे, तो आप देखिए कौन सी कंपनी की 100 रुपये लेके अपने आप को सर्वाइव करेगी। सर बहुत सारे चैलेंज होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो आप इसको समझिए कि एक प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो मिनिमम 100 रुपये में हम सर्वाइव तो नहीं कर सकते हैं मतलब वो चीज़। और वैसे भी हमारे 150 रुपये, और आपको भी स्मार्ट काम करने के लिए कम से कम अपने शहर में 400 से 500 रुपये रेट तो आपको रखनी पड़ेगी, तभी कहीं ना कहीं आप भी बाजार में सर्वाइव कर पाएंगे, राइट। अगला सवाल ले लेते हैं हमारे पास में। अभिनंदन जी, थैंक्स सर। न्यू प्रोडक्ट रेट सर डाउनलोड सेंटर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको नई प्रोडक्ट लिस्ट मिलेगी और वहां से आप रेट लिस्ट, नए जो 5-6 प्रोडक्ट है जिनकी रेटें अपडेट हुई है, वो आप वहां से चेक कर सकते हैं। अमर सक्सेना जी हमारे साथ में है, आपकी वॉइस साउंड कम है, तो क्या आपको वॉइस अभी भी कोई इशू आ रहा है, वॉइस में कोई दिक्कत आ रही है, क्या वॉइस आपको प्रॉपर नहीं मिल पा रही है? अगले 5-10 मिनट में आपके साथ में हूँ। प्लीज़ अभी भी अगर कोई हमारे साथ न्यू प्रोस्पेक्ट एसोसिएट है तो वो देख सकते हैं और वो अपना कोई सवाल है वो पूछ सकते हैं। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, आप इसे प्रॉपर कर सकते हैं। और अगर आप पहले से ही अगर कोई जॉब या इस तरह का कोई वर्क कर रहे हैं जहाँ बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर भी आप डिसीजन ले सकते हैं, पार्ट टाइम में भी इस काम को कर सकते हैं। अगर आप मेरिड पर्सन हैं तो आप, अगर वाइफ है, अगर वो हाउस वाइफ है, तो उनकी भी हेल्प लेके इस काम को आप प्रॉपर कर सकते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से इसको आप काम को आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। फिर भी आपको लगता है कि आप बिजनेस को करना चाहते हैं, एक बार आप बड़े स्केल पर नहीं कर पा रहे, तो एक बार आप छोटे स्केल से ही इस बिजनेस को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी और पार्ट टाइम में जो जो काम आप कर रहे हैं उसी के साथ वहीं पर आप मिनिमम इक्विपमेंट के साथ एक बार शुरू उसको कर सकते हैं। फिर आपका जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाए वैसे वैसे आप इसको अपने काम को बढ़ा सकते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से इसको आप कर सकते हैं जी। एक दो सवाल हो रहे हैं उनको ले लेते हैं हम। विजय गुलाटी जी का सवाल है, एनी एरिया लिमिटेशंस फॉर B2B मेंबरशिप? जी बहुत अच्छा सवाल इन्होंने करा है। इनका सवाल है कि जब हम जुड़ जाते हैं तो B2B में कोई एरिया है? वैसे तो हमारा कस्टमर में कोई एरिया फैक्टर नहीं है, आप अपना कस्टमर कहीं पर भी बना सकते हैं, कहीं पर भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर एरिया की बात करें तो हमारे अलग अलग फ्रेंचाइजी लेवल्स के अंदर एरिया आता है, राइट। उसको आपको अपने BDP से एक बार आपको अपने प्रतिनिधि समझना पड़ेगा कि वो क्या है, राइट। बाकी कस्टमर वॉकिंग के लिए कोई एरिया नहीं है, वो आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं, इंक्लूडिंग NRI भी अगर आपके पास आ रहा तो आप उसको भी अप्रोच करके उनको भी आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करा सकते हैं, बिकॉज आप एक बिजनेस कंसल्टेंट के रूप में काम करते हैं, एक टैक्स कंसल्टेंट के रूप में काम करते हैं, जहाँ पर हम पहले लोगों को अवेयर के साथ साथ में काम करेंगे, साथ ही साथ लोगों को वहाँ पर प्रॉपर आप अपने साथ में जोड़ के प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस काम को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं और एक ग्रोथ की तरफ आप इसको लेके जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस को दो तरीके से किया जाता है, एक पार्ट टाइमर, एक फुल टाइमर, और एक तरीका और होता है कि आप नहीं कर पा रहे लेकिन आप किसी को अपने साथ एसोसिएट करके या किसी को अपने साथ रख के उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करा के भी इस काम को कर सकते हैं, शुरुआत इसकी कर सकते हैं, ताकि जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा आपका, राइट। संदीप जी हमारे साथ में है, सर मैं पहली बार ये काम स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है,
जी, संदीप जी देखिए, बेसिकली आप हमारे प्रतिनिधि वैसे आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, वो आपको इसकी पूरी जानकारी दे देंगे, राइट। बट आप इसको समझते हुए, इस इंडस्ट्री की भी अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसकी भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप इसको प्रॉपर समझते हुए सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हैं और लोगों को आप इसकी प्रॉपर हुए ही इसके अंदर आप आगे बढ़िए, राइट। हमारे प्रतिनिधि आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, पूरा समझिए, डिटेल में बात करिए, क्योंकि आप बहुत लेट जुड़े हैं, मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसकी दे दी है कि एक B2B बिजनेस है जहाँ पर एक बड़ा बड़ा मार्केट आप बना सकते हैं। तो संदीप जी, एक बार हमारी प्रतिनिधि आपसे कॉन्टेक्ट करेंगी अभी, तो आप एक बार पूरा उनसे एक्सप्लेन करके समझिए इस बिजनेस को, राइट सर जी। शुभम जी है हमारे यहाँ, शुभम जी वानी। सर मैं नया काम करूंगा तो लोग ट्रस्ट कैसे करेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने करा है। देखिए, मैंने कहा को आपका प्रोफाइल किस तरह का है, क्या आप पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं, या आप जॉब कर रहे हैं, या आप अब स्टार्टअप करना चाहते हैं। देखिए, लोग ट्रस्ट करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों कैसे ट्रस्ट कराएंगे, और ट्रस्ट कराने का सबसे बढ़िया तरीका है उस काम को पहले धीरे 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 शुरू करना। कुछ लोगों को पहले सर्विस दी जाती है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, थोड़ी थोड़ी आपकी अर्निंग होती है, उसके बाद आप प्रॉपर लिस्टिंग करके थोड़े थोड़े लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात हमारे बाम की खूबसूरत है, ये माउथ पब्लिसिटी पे भी बिजनेस चलता है। माउथ पब्लिसिटी का मतलब होता है कि आप पहले से ही जिन लोगों को आप सर्विस दे चुके हैं, अगर वो आपकी सर्विसेज से, आपकी चीज़ों से सेटिस्फाइड होते हैं। हमारी एक मानवीय प्रवृत्ति है, जब हमें काम अच्छा लगता है तो हम लोगों को अप्रोच करते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, राइट। तो आप ट्रस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप थोड़ा थोड़ा काम करके लोगों के बीच जाएंगे तो ट्रस्ट अपने आप क्रिएट होगा सर। और पहले शुरुआती 20, 30, 50, 100 कस्टमर अपने नियर डियर में, अपने नेचुरल मार्केट में, अपने सर्कल में, अपने क्षेत्र में जो लोग ट्रस्ट करते हैं, उनसे शुरुआत करके आप अननोन लोगों तक भी पहुंच सकते हैं। हर बिजनेस की शुरुआत उसी प्रकार से होती है सर, राइट। या फिर तरीका होता है कि हमारा कस्टमर बुकिंग कौन है, कौन हमारी ऑडियंस होगी, उसको टारगेट किया जा सकता है अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या अलग अलग चीज़ों के माध्यम से भी आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि आपने किस तरह का काम शुरू किया है, उनसे मीटिंग ले सकते हैं, उन्हें प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके लोगों को आप जोड़ सकते हैं अपने साथ में, ताकि आपका ट्रस्ट बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अपने आप लोगों की तरफ इंटरप्ट होना स्टार्ट हो जाओगे सर, राइट। और जिन जिन लोगों को आपने सर्विसेज दी हैं, जिन जिन लोगों को आपने सर्विसेज दी हैं, आप उनके रेफरेंस बिजनेस की तरफ भी जा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए, आपने यहाँ बिजनेस शुरू किया और पहले दौर में आपने मान लीजिए 100 कस्टमर आपने बनाए, तो इन 100 कस्टमर से आप रेफरेंस भी ले सकते हैं, आप रेफरेंस की तरफ भी जा सकते हैं। और जो 100 कस्टमर आपके साथ जुड़े, वो आपको आपके पास कस्टमर भी भेज सकते हैं माउथ पब्लिसिटी के थ्रू, नए नए लोगों को वो आपके बारे में बता सकते हैं, उनके नियर डियर के जो लोग हैं वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो हर किसी बिजनेस को इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी मार्केटिंग करके प्रॉपर वे में लाया जाता है सर। अगला सवाल हम ले लेते हैं, हमारे पास सवाल है आकाश यादव जी, ट्रेनिंग कब होगी? आकाश जी, आप किस तरह की ट्रेनिंग की बात करें? अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो मैंने जैसे बताया था कि अभी कोरोना है, अनलॉक 1-2 चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ती है, अभी सीमाएं वापस से सील कर दी गई है, तो हम ट्रेनिंग अभी नहीं कर रहे हैं। जैसे ही ऑफलाइन ट्रेनिंग ट्रेवलिंग स्टार्ट होती है तो हमको जल्दी सूचना करेंगे, बैच बनेंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सुमंता जी है, आवर ई काउंटर लेवल अपडेटेड टू डिस्ट्रिक्ट लेवल फरवरी 2020, बट आवर डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्रांचेस रिवॉर्ड बैलेंस नोट अपडेटेड टिल नाउ। ओके सर, सुमंता जी, जो भी आपकी BDP है, प्लीज आप उनसे कॉन्टेक्ट करिए कि क्यों आपका अभी तक रिवॉर्ड बैलेंस अपडेट नहीं हुआ है, क्यों आपकी ब्रांचेस आपके अंडर में अभी तक मैप नहीं हुई है, क्यों आपको उनका इंसेंटिव आपको नहीं मिला है। जो भी बातचीत है, प्लीज़ एक बार आपने BDP से कॉन्टेक्ट करिए के नंबर होंगे, आप उनसे बातचीत करिए भाई कहाँ इश्यू आ रहा है, ब्रांच ओपनिंग की बात करिए, ताकि इसको क्लियर करिए, और जो जो फैसिलिटी आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मिली है उसको प्रॉपर लीजिए और अपने काम को प्रॉपर कीजिए सर, राइट जी सर।
अभिनय जी हमारे साथ आई है टेकन अकाउंटेंट थाने महाराष्ट्र आई पेड 50% अमाउंट बट नाउ इन ऑन होल्ड पेमेंट नाउ आई वांट टू रीस्टार्ट जलगांव महाराष्ट्र बाय पेइंग पेंडिंग जी 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 अभिनय जी आप थाने से जलगांव में स्टार्ट कर सकते हैं उसका एक प्रोसेस है प्लीज़ हमारे प्रतिनिधि से कॉन्टेक्ट करिए हमारे BDP से कॉन्टेक्ट करिए जिनसे आपने फ्रेंचाइजी ली है वो आपको उसका प्रोसेस बता देंगे प्लीज़ आप उस प्रोसेस को फॉलो करिए आपको आप जलगांव में स्टार्ट कर सकते हैं और वहाँ पर आप बाकी जो भी आपकी KYC है पेंडेंसी है उसको कंप्लीट करिए और आप वहाँ पे प्रॉपर स्टार्ट करिए सर राइट पंकज जी पिछले का वक्त तो सीए करता है जी बिल्कुल करता है सीए करता है प्रोफेशनल पर्सन होता है वो काम करता है लेकिन आप हमारे साथ B2B पैनल में आके वो काम आप खुद भी प्रॉपर एजुकेशन सपोर्ट कंसल्टेंसी लेके अपने एरिया में अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में कर सकते हैं तो पंकज जी आप इसको समझिए कि आप कैसे कर सकते हैं अगर आप कर सकते हैं तो इसके अंदर आप एंट्रेंस दिखा के प्रॉपर आप कर सकते हैं जी तो लगभग लगभग सारे सवालों के जवाब यहाँ पे हो चुके हैं और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं इसको समझना चाहते हैं और बिजनेस अपना जो अपना टाइम और अपनी चीज़ें जो खर्च करनी है वो खुद के लिए करना चाहता है ओन बिजनेस करना चाहता है सेल्फ वर्क करके उस काम को प्रॉपर बनाना चाहते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है कि मैं एफर्ट्स जो है खुद के लिए लगाऊं मतलब मैं शॉर्ट में बात करूं एफर्ट्स खुद के लिए लगाऊं और फ्यूचर में जिस प्रकार से देश और पूरी दुनिया में कोरोना महामारी आई है अगर इस तरह की कोई भगवान ने करे दोबारा ऐसा कुछ हो तो हम वहाँ पर स्टेबल ऐसा कोई खतरा नहीं आए ताकि हमारा बिजनेस ख़त्म हो जाए हम बिजनेस डाउन चला जाए लेकिन आप यहाँ पर प्रॉपर काम करके ग्रोथ के साथ साथ में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के ऊपर भी काम कर सकते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं आपका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा डेफिनेटली और वहाँ पे आप सिस्टमेटिक तरीके से काम कर सकते हैं राइट और काम बढ़ा सकते हैं साथ ही साथ काम करके बढ़ा सकते हैं साथ ही साथ आप उन लोगों को भी कस्टमर बना के अपने साथ एक फैमिली एटमोसफेयर बना सकते हैं ताकि उनके माध्यम से आप रेफरेंस और माउथ पब्लिसिटी के द्वारा भी आप बहुत सारे लोगों तक पहुँचें और अपने एरिया में अपने क्षेत्र में जहाँ हजारों लोग लाखों लोग रहते हैं आपके आसपास के 100-200 किलोमीटर में एक अपनी नई पहचान बना सकते हैं नए आइडियाज़ के ऊपर बिजनेस करके नए और लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी बना सकते हैं राइट जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ 300-500 कस्टमर बना के साल की एक 4-5 लाख रुपये की इनकम की तरफ आप जा सकते हैं अगर सेम कस्टमर को आप अगले 10 साल तक लेके जाते हैं तो 25-30 लाख रुपए 40 लाख रुपए की अर्निंग आपके पास में एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने से आ सकती है मतलब आप यहाँ पे तीन चीजें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पहला आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो प्रोसेस का पार्ट है दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको अपना टाइम और अपना शेड्यूलिंग बनाना पड़ेगा मिनिमम पार्ट टाइम से शुरू करके मिनिमम इक्विपमेंट से शुरू करके और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट आप अपने आप से क्या चाहते हैं क्या अपने आप से आप एक ग्रोथ चाहते हैं प्रॉपर वर्क चाहते हैं तो आप वहाँ पर इसको सिस्टमेटिक करके ये सारी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं और अपने शहर में अपने लोगों के बीच एक टैक्स कंसल्टेंट के रूप में अपनी भूमिका बना के पर्सन को देखते हैं उसी प्रकार से एक दिन आपको देखेंगे लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा आपको उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम समझते हुए इस काम को करना होगा तब जाके आप उस मुकाम पर पहुँचेंगे क्योंकि हमारे पास हजारों एग्जाम्पल है 6,000 फ्रेंचाइजी हमारी है जिसमें से 60 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी हमारी परसेंट फ्रेंचाइजी पहले से एक्टिव मोड पे काम कर रही है बहुत सारी फ्रेंचाइजी ऐसी है जिनको 10-10 साल हो चुके हैं हजारों मार्केट बना चुके हैं साथ ही साथ आप 5-5, 10-10 जनों का बड़ा स्टाफ रख के भी वो काम कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंस वो चीज़ें तब आती जब आप किसी चीज़ के ऊपर प्रॉपर काम करते हैं अपना समय वहाँ पर आप प्रॉपर दे रहे होते हैं और दुनिया का ये रीत है ये व्यवसाय का नियम है कि कोई भी व्यवसाय जब आप करते हैं उस व्यवसाय को करने के लिए जो जो चीज़ें करनी पड़ती है वो चीज़ें करने से ही वो व्यवसाय बनता है हमारी आपको पूरी उसके अंदर हेल्प मिलेगी क्योंकि हम यहाँ पे B2B कर रहे हैं मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पे B2B कर रहे हैं जहाँ पे हम आपको साथ में लेते हैं हमारा एक कोऑर्डिनेशन आपके साथ में चलता है उस कोऑर्डिनेशन की वजह से ही आपका B2B का बहुत बड़ा
एक मार्केट आपका बनता है जिसमें आपको पूरा सपोर्ट मिलता है, पूरी कंसल्टेंसी मिलती है, पूरी एजुकेशन मिलती है, आपको मार्केटिंग सपोर्ट मिलता है, हर तरीके से आपको इसमें पूरा सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है जिसके साथ आप और हम मिलकर कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया था एक बहुत बड़ा मार्केट, यूज मार्केट अभी खाली पड़ा है, उसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं। और हमारा पहला काम जैसा कि लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना होता है, उसी की मदद लेते हुए बहुत सारे हजारों लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, राइट। और मैंने पूरी कोशिश की यहाँ पे कि आपको मैं पूरी बात बताऊँ क्यों आपके लिए बिजनेस सही है, जॉब सही है या बिजनेस सही है, क्यों आप बिजनेस करेंगे, किस तरह से आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आगे बढ़ेंगे, क्या ग्रोथ आपकी रहेगी। बहुत सारी मैंने आपको बातें बताई है, बहुत सारी बातें मेरे पास अभी भी बताने के लिए, लेकिन हमारे पास समय कम है और हम काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। अगर कुछ और सवाल आपके रह गए हैं, प्लीज़ आप हमारे प्रतिनिधि के नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, एक नंबर आपको अभी पोस्ट हो जाएगा, आप उनसे जुड़िए, आप उनसे सवाल लीजिए। अगर कोई सवाल आपके रह गए हैं उनसे बातचीत करिए, कोई डेमो ट्रेनिंग आपको चाहिए वो आप उनसे लीजिए, कैसे सॉफ्टवेयर काम करता है, कैसे टू वे कम्युनिकेशन का काम चलता है, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी, आज इस वेबिनार के बाद कोई ऑफर मिलने वाला है क्या, सारी चीज़ें आप उनसे जानिए, समझिए और समझ के जुड़िए, क्योंकि आप और हम एक लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटजी का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हम B2B की बात कर रहे हैं, आगे जाके हमें B2C करना होगा, हमें कंज्यूमर मार्केट के अंदर जाके काम करेंगे। इसीलिए आप प्रॉपर समझिए, प्रॉपर समझते हुए इस काम को करिए। और मैं आपसे फिर से, आज जो हमारे साथ टेक्निकल दिक्कत आई है जिससे हमारे थोड़ी सी लेट स्टार्ट हो पाया है, कुछ बीच में टेक्निकल दिक्कत आई है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहूँगा। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात, लॉकडाउन और कोरोना के बाद में अनलॉक 2 चल रहा है, आज लोगों को बिजनेस की नीड है, काम की नीड है, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ आपको समझते हुए करिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरे भारतवर्ष में ऑलरेडी हमने रोजगार मुहैया के साथ शुरू करके, मतलब 10-15 हज़ार में भी शुरू करके इस काम को प्रॉपर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप पूरे भारतवर्ष में पैन इंडिया लेवल पे काम कर सकते हैं, और शुरुआती 80,000 से 1,00,000 रुपए कमाने के लिए आपको कंपनी के रिपोर्ट बैलेंस के शहर में अपने लोगों के बीच एक नई पहचान बना सकते हैं, राइट सर। तो इन सब चीज़ों पे काम करिए, कोई और बातचीत है आप जानिए, इसको समझिए और सिस्टम में जुड़िए। सर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और मैं, आप सभी लोगों ने अपना समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर भी कुछ सवाल रह गए आप हमारे प्रतिनिधि से कॉन्टेक्ट करिए, राइट, और जुड़े रहिए सिस्टम से। कहीं पे लगता है आपको जानकारी चाहिए वो जानकारी आप लीजिए, और जितने भी हमारे यहाँ पे प्रतिनिधि वो जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी हम काम करते हैं, हम मल्टीपल काम, एक लाइन बोलूँगा उसके बाद ख़त्म करेंगे, कोई भी हम काम करते हैं या मल्टीपल काम करते हैं या उसके 2-3 ही बहुत बड़े पहलू होते हैं, इनकम, प्रोफाइल, रिकॉग्निशन, मार्केटिंग, सब चाहते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, हर कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी चाहता है कि मैं लंबे समय तक जुड़ूं और अपने लोगों में एक अलग पहचान बना के सिस्टमेटिक तक काम करूं, और वो सारी चीज़ें इस इंडस्ट्री में मौजूद हैं। प्लीज़ आप ज्वाइन करिए, कहीं कोई दिक्कत समस्या है बात करिए, समाधान लीजिए और जुड़िए सर, राइट सर। और फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर से मुलाकात होगी आपके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।